चलो शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था बेटा सप्लाई के बारे में, राइट। सप्लाई के अंदर हमने अंडर सेक्शन 7.1A किया था। प्रियंका, 7.1A क्या था बेटा? क्या होता 7.1A में? बेटा जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग ही होगा बेटा। होता क्या है 7A में, क्या बताया गया था सिद्धू? बेस्ट एलडीआर हो और हाँ, तो ये भी बोलो कंसिडरेशन, और एक और कंडीशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7.1A था कि भाई बेस्ट एलडीआर वाला के कोई भी केस जिसमें कंसिडरेशन हो और वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि सप्लायर के बिजनेस से जुड़ी हुई वो एक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। ओके, नाउ 7.1B, 7.1B क्या था इशिता? इंपोर्ट सर्विस के केस में अगर कंसिडरेशन है तो उस केस में उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, भले वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। इंपोर्ट सर्विस के केस में प्रियंका, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है? रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिसिपिएंट अगर उस सर्विस को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा था इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के काम में नहीं ले रहा तो नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके 7.1C, जो शेड्यूल फर्स्ट भी कहलाता है। 7.1C रौनक डीआरपी का केस हो तो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जा सकता है, कब? इफ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये होना जरूरी है। ओके, नाउ डी का मतलब क्या होता है मीनाक्षी? डिस्पोजल या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स इफ ITC has been availed, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ITC अवेल नहीं किया तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता है। आर, श्रद्धा आर का मतलब क्या है बेटा? श्रद्धा यही पता नहीं, आर का मतलब क्या? आर का, आर का बेटा नोटबुक में से देख के बताओगे तो क्या मतलब रहा? फिर कल क्या पढ़ाई की बेटा तुमने? शशांक, बट आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ, ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ अर्षिता जी, डीआरपी में पी का मतलब क्या होता है? मुझे वो केस बताओ जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माने जा सकते हैं। हर्षिता, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, मतलब प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, रिलेशनशिप की बजाय ट्रांजेक्शन इन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ओके, आर का ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। डी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर राम प्रसाद, फिर डी फॉर डंकी जो रिलीज नहीं हुई अभी तक।
डी 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 से डी फॉर डॉग, डी फॉर देवानंद, डी फॉर धनबाद, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डिस्पोजल, डी फॉर ड्राइवर। तो हाँ, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इफ आईटीसी हैज बीन अवेलेबल। ओके, ये सप्लाई होता है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन, बराबर है शिफा जी? गुड्स क्या होता है? चलो, एक्शनेबल क्लेम में क्या आता है? ओके समिता, गुड्स के डेफिनेशन में से क्या एक्सक्लूड है? मनी एंड सिक्योरिटी, मनी एंड सिक्योरिटीज। कोई भी ऐसी मनी जो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू रखती है वो गुड्स है या नहीं है? नहीं सर वो कुछ नहीं है सॉरी ओके, जो न्यूमिस्टिक नहीं सर वो कुछ है वो गुड्स माना जाएगा क्योंकि वो एंटी कॉइन्स, एंटी करेंसी होती है जो करंटली चलन में नहीं होती है। मनी के अंदर आपके देखो डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, ये सब जो है आपके मनी माने जाते हैं। ओके चलो, हाँ मुझे बताएगा ऋतिक, तुम बताओ मुझे सर्विस का मतलब क्या होता है? तो जो भी अदर देन गुड्स है वो गुड्स जो भी अदर देन गुड्स है। ओके 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 चलो समझ में आया। अगर मान लो मैं किसी के लिए सिक्योरिटी अरेंज करता हूँ, शेयर एंड डिबेंचर सेल करवाता हूँ, ब्रोकरेज लेता हूँ, ये सर्विस है या गुड्स है? सर्विस माना जाएगा, राइट? ठीक है, यहाँ तक हमारा कल हो गया था, कंप्लीट कर लिया था हमने। यहाँ तक मैंने आपको लिखने के लिए दिया था कि ये लिख करके लिखना डेफिनेशन, बड़े प्यार के साथ। तो मुझे ये बताओ जिन्होंने नहीं लिखी वो कौन कौन है? एक दो, किस खुशी में नहीं लिखी बेटा? गरबा इंपॉर्टेंट है बेटा। तुम कहाँ गई थी बेटा? पता है ये लोग जॉब करते हैं, ये बात सब लोगों के लिए, सब ध्यान से सुनना, कि लोग जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ साथ में सीए करते हैं, पता है आप लोगों को? उनका रिकॉर्ड और रिजल्ट उठा करके देखना, उनमें से 90-95% लोग फेल होते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, बराबर है? ऐसे में कई एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ आप लोगों को, जो पिछले 10 सालों से सीए दे रहे हैं, सीए फाइनल, किसी का एक ग्रुप बाकी है, किसी के दो ग्रुप बाकी है, वो जॉब करते हैं, लास्ट के टाइम में वो 10 दिन 15 दिन की, 1 महीने की छुट्टी लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर रिजल्ट जीरो आता है, फिर जॉब में लग जाते हैं। और उनकी जो सैलरी थी वो जब लगे थे तब थी 30,000-40,000, अभी 70-80,000 है, उससे ज़्यादा की नहीं है। अगर मैं उनको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखूँ तो 10 साल में अगर उन्होंने 20 बार एग्जाम दिए हैं तो कम से कम 1 महीने की छुट्टी मिली तो 20 महीने की छुट्टी ले चुके हैं वो, 20 महीने की पगार गई उनकी। और बार बार छुट्टी लेने की वजह से इंक्रीमेंट भी नहीं होता है, कई बार बॉस छुट्टी नहीं देते, जॉब चेंज करनी पड़ती है तो वापस जीरो से शुरू हो जाता है, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है। अगर उन्होंने वही 20 महीने की छुट्टी में से 6 महीने की छुट्टी लेकर के ढंग से अगर सीए की तैयारी की होती तो 6 महीने में वो अपना सीए निकाल चुके होते, अब इंक्रीमेंट होते होते चार्टर्ड बनने के बाद में उनका पैकेज 18-20 लाख रुपया आराम से हो गया होता। सेम गलती तुम लोग कर रहे हो, फर्क इतना सा है, जॉब उनकी मजबूरी थी। इस डिग्री में एक बहुत बड़ा एटीट्यूड होता है बेटा, मैं बताता हूँ तुम्हारे को।
तुमको मालूम है मेरी ये सी ए 10th डिग्री है, तो 9 डिग्री होने के बावजूद भी मैंने इस डिग्री को लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें एटीट्यूड था। इस डिग्री में इतना एटीट्यूड होता है कि ये एक ही चीज देखती है, मुझे प्रायोरिटी दी तो मैं तुमको प्रायोरिटी दूंगी, और मुझे प्रायोरिटी नहीं दी तो भूल जाना कि एग्जाम में मैं तुमको प्रायोरिटी दूंगी। अगर मुझे सिर्फ 100 लोगों को पास करना होगा तो उन 100 में वही लोग होंगे जिन्होंने मुझे प्रायोरिटी दी सब छोड़ करके। एक भी अगर ऐसा है जिसने किसी और को प्रायोरिटी दी तो मेरा एक ही एटीट्यूड है, बेटा तू उसी के लायक है, तू वही कर, मैं तो तुझे नहीं मिलने वाली। तो जो बाकी के लोग जो जॉब करते हुए सीए कर रहे हैं, उन्होंने प्रायोरिटी हमेशा अपनी जॉब को दी, सेकेंड प्रायोरिटी इसको दी कि चलो सीए निकल जाएगा तो बढ़िया है। तो सेकेंड प्रायोरिटी देने की वजह से उस डिग्री ने भी हमेशा उनको सेकेंड प्रायोरिटी ही दी, इस वजह से वो सीए नहीं बन पाए। तुम लोग क्या कर रहे हो, सेकेंड प्रायोरिटी पे ला रहे हो उसको। गरबा खेलने जाना है तो अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ, क्योंकि देखो 24 घंटे ही सबके पास में, तो 24 घंटे तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तुमको मालूम है कल मैंने लेक्चर लिया था, मुझे टॉन्सिल हो रखे थे, मेरा कल इवनिंग का लेक्चर कैंसिल किया था मैंने, इंटर का, मुझे टॉन्सिल हो रखे थे। अब मेरे पास में 24 घंटे ही हैं, मैं अगर आज का लेक्चर तुम्हारा कैंसिल करता तो 6 घंटे का इम्पैक्ट पड़ता, राइट? मैंने टाइम मैनेजमेंट किया, गया मैं कल गरबा खेलने नहीं गया, मैंने अपने गले पे फोकस किया, डॉक्टर को दिखाया, गार्गल, बीटाडीन गार्गल, नमक के गार्गल, जितने करने थे सब किए। क्यों? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि गरबा मैं आज भी खेल लूंगा, गरबा मैं कल खेल लूंगा। गरबा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दिन या 2 दिन गरबा नहीं खेलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कि समाज के बाहर कर देंगे, अरे तुम गुजराती खिलाने के लायक नहीं हो, तुम गरबा खेलने नहीं है, इनको जाति बिरादरी से बाहर किया जाता है आज, अच्छा तुम गुजराती नहीं हो, ऐसा तो कुछ होना नहीं है ना। तो पहली प्रायोरिटी होमवर्क होनी चाहिए थी, गरबा सेकंड प्रायोरिटी थी। होमवर्क कितना टाइम लगता, 20 मिनट लगता लिखने, एक तो डेफिनेशन ही तो लिखनी थी 20। अब गरबा तुमने कम से कम 2-3 घंटा खेला होगा, 3 घंटे की जगह 2.5 घंटा खेलते हैं, 2 घंटा खेला गरबा का, 2 घंटा ही खेला, 1.5 घंटा खेलते, क्या फर्क पड़ जाता। मैं मना नहीं करता, चलो सबके अपने अपने शौक होते हैं, गरबा है, और कई कई शौक पागलपन की हद तक भी होते हैं, सब ठीक है अपनी जगह पे, होने भी चाहिए। और अभी नहीं खेलोगे तो कौन सा बुढ़ापे में खेलोगे तुम लोग, बराबर है? ऐसा तो नहीं कि दया बहन हो जो कभी भी खेल सकते हो, वो तो होनी, अपने काम को प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए वैसे करो। आज अगर ड्यू डेट आ जाती तुम्हारे रिटर्न फाइलिंग की, तो उस दिन तुम रिटर्न फाइल करोगे या बाकी के काम करोगे? पहले रिटर्न फाइलिंग पे, क्योंकि पता है ड्यू डेट है, बराबर है, पहली प्रायोरिटी उसी को दोगे। यहाँ पे भी पढ़ाई को सेकेंडरी मत लेकर के आओ प्लीज, ये मैं आप लोगों को बोलूंगा, भले चाहो तो आर्टिकलशिप को सेकेंडरी कर देना, पढ़ाई सेकेंडरी मत करना, ओके? आज हमारी अगली डेफिनेशन है कंसिडरेशन। ना कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन के बारे में समझो, कंसिडरेशन के बारे में एक्ट क्या बोलता है। देखो लेमन लैंग्वेज में हम कंसिडरेशन क्या बोलते हैं, एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ भी, बराबर है? अगर हम लेमन लैंग्वेज की बात करें, एनीथिंग इन रिटर्न, अगर मैं आपको आईडीटी पढ़ा रहा हूं, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे सिद्धू है, सिद्धू एक फोटोग्राफर है, पोर्टफोलियो वगैरह बनाता है, मैं एक प्रोफेसर हूँ आईडीटी का, मैं आईडीटी पढ़ाता हूँ, सिद्धू को मैंने बोला मेरा एक पोर्टफोलियो बना दो, बराबर है, साउथ में भोजपुरी में कहीं ना कहीं शायद फिल्मों में कोई रोल ही मिल जाए, तो पोर्टफोलियो तो बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला सर वहाँ पे तो आजकल क्वालिटी लोगों को लिया जाता है, बॉलीवुड में ट्राई करो, यहाँ पे कुछ भी आता है, बराबर है, और कुछ नहीं चले तो सर इंस्टाग्राम पर रील ही बनाओ अपने, क्या है? तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा उसके लिए पोर्टफोलियो तो बना दे एक बार। अब ये पोर्टफोलियो बना रहा है मेरा, मुझसे पैसा नहीं ले रहा, बदले में इसने मुझे क्या बोला, आप मुझे आईडीटी पढ़ा दो, मैं आईडीटी पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी कंसिडरेशन है। उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, आईडीटी पढ़ाना, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, वो पोर्टफोलियो बना करके दे रहा मेरा। समझ में आया ना? नेक्स्ट आते हैं इसमें,
एनीथिंग रिटर्न में कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है। मुझे ये बताओ कंसिडरेशन कौन पे करेगा, सप्लायर या रिसिपियंट? अब एक बात बताता हूं मैं, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कुछ केस इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि आप कंफ्यूज हो गए वहां पर कि कौन किसको सर्विस दे रहा है, ये पता ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाता है कई बार, ये पता ही नहीं लग पाता है कि सप्लायर कौन है रिसिपियंट कौन है, बराबर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो मैं एक प्रोग्राम करवाता हूं, डांस शो या गरबा करवा रहा हूं, मान लो गरबा करवा रहा हूं, मैंने फाल्गुनी को भी बुला लिया और कौन कौन है वो एक आजकल दो तीन नई आई है ना, और किंजल, किंजल क्या नाम है पूरा, दवे, किंजल दवे को बुला लिया, फाल्गुनी को बुला लिया। अब मुझे स्पॉन्सर तो लगेंगे, तो मान लो वहां पर एडनोवेट जो है वो स्पॉन्सर बनता है कि सर हम स्पॉन्सर हैं, इन्होंने मुझे 10 लाख रुपया दिया। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, बराबर है स्पॉन्सरशिप सर्विस का केस है ये, सप्लायर कौन है रिसिपियंट कौन है एडनोवेट और MGN कंपनी में से? ओके मीनाक्षी, शिफा, MGN कंपनी रिसिपियंट, सिद्धू, स्पॉन्सरशिप सर्विस के लिए MGN कंपनी रिसिपियंट है, स्पॉन्सरशिप के लिए MGN कंपनी रिसिपियंट है, रॉन्ग। हर्षिता कार मीनाक्षी का आंसर राइट था, यहाँ पे सप्लायर MGN कंपनी होगी, रिसिपियंट ये है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज होगे कि रिसिपियंट कौन है सप्लायर कौन है, बराबर। स्पॉन्सरशिप सर्विस MGN कंपनी दे रही है, उसके बदले स्पॉन्सर बना एडनोवेट। स्पॉन्सरशिप सर्विस का मतलब था ब्रांडिंग करना, तो एडनोवेट की ब्रांडिंग करेगी, बैनर लगाएगी अपने प्रोग्राम में, बार बार अनाउंस करेगी दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एडनोवेट, बराबर है वो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या समझो कि MGN कंपनी जो है वो हो गई सप्लायर, एडनोवेट हो गई रिसिपियंट, ये पता कैसे लगेगा? तो आज मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूं, हर जगह सक्सेस होगा। जिसको पैसा मिलता है ना, जिसको कंसिडरेशन मिल रहा है, जिसको कंसिडरेशन मिल रहा है वो हमेशा सप्लायर होता है। यहां पर 10 लाख रुपया किसको मिला, वो सप्लायर है, रिसिपियंट पे करता है। समझ में आया? अब याद रहेगा, क्योंकि ऐसे आगे जैसे बढ़ते जाओगे ना चैप्टर नंबर 3, 4, 5 उसमें ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स यूं कंफ्यूज होगा यार सप्लायर कौन है रिसिपियंट कौन है इसमें, और एक गलती पूरा आंसर बिगाड़ देगी आपका। चलो यहां पर क्लियर हुआ, अब आते वापस से कंसिडरेशन पे। कंसिडरेशन कौन पे करता है बेटा, रिसिपियंट पे करता है। मुझे यहां पे ये बताओ रिसिपियंट के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है क्या, रिसिपियंट के भी आप पर दे सकता है, कौन दे सकता है, कोई भी दे सकता है थर्ड पर्सन। जैसे आप लोग यहां पे पढ़ रहे हो, फिर मम्मी पापा ने अगर भरी है तो रिसिप्ट तो आपके नाम पे बनी है, तो रिसिपियंट तो आप हो, सप्लायर एडनोवेट है, बट कंसिडरेशन किसने, मम्मी ने या पापा ने दिया, बराबर है। तो थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है, तो बट याद रखना यहां पर थर्ड पार्टी अगर गवर्नमेंट है, कौन है, गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, तो उस केस में उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी वगैरह आपको दे रही है। क्या दे रही है, सब्सिडी वगैरह, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाता कभी भी। बाकी थर्ड पर्सन कोई भी कंसिडरेशन देगा वो सब कंसिडरेशन में काउंट होगा, ओके। वो जरूरी नहीं कि रिसिपेंट दे, रिसिपेंट के अलावा भी कोई भी दे सकता है, ओके। लिखवाऊंगा बेटा मैं ये, लिखवाऊंगा ये पॉइंट। अब इधर देखना, ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको।
मान लेते हैं ये मैं हूं एमजी जीएसटी ट्रेनर, जीएसटी नया नया इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैंने कहा भाई मैं जीएसटी की ट्रेनिंग देने को तैयार हूं, मेरी फीस है 10,000 रुपया। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो कुछ लोग हैं जिनको आपको ट्रेनिंग सस्ते में देनी है। मैंने कहा सॉरी ये मेरा काम नहीं है, सस्ते में मैं ट्रेनिंग दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा। मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं 10,000 रुपया लूंगा, उससे कम मेरे को नहीं परवाएगा। गवर्नमेंट ने बोला यार एक काम करो, तुम जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग जितने भी हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उनको तुम 2,000 रुपये चार्ज करो। मैंने कहा मेरे को नहीं परवड़ता। बोले एक काम करते हम सब्सिडी देते हैं। अब मुझे सब्सिडी कैसे मिलती है इधर देखना, मैं सर्विस दे रहा हूँ इस भाई साहब को, मैं सप्लायर, ये रिसिपिएंट, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बिल्डर है, और ये जो भाई साहब है ये मुझे पे करते हैं ₹2,000। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मुझे सब्सिडी दे देती है, कितना 2,500 की। जापान गवर्नमेंट ये भी मुझे सब्सिडी दे देते हैं, कितनी 4,500 की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी जापान गवर्नमेंट। बराबर है। टाटा जो टाटा वो बोलती भाई हम क्यों पीछे रहे, भाई ये तो अच्छा काम है। बराबर है। तो हम भी सब्सिडी देंगे 1,000 रुपीज़ की। सीएसआर की वजह से देते ना कई लोग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्सिडी। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे कंसिडरेशन कितना है, तो इधर देखना कितना होगा अमाउंट कंसिडरेशन का, 9,000। तुम बताओ प्रियंका, 3,000। तुम रौनक, 3,000। तुम सिद्धू, 7,000। 7,500। बिल्कुल अच्छा था आंसर। अपना बुक अपनी, पीपीटी अपनी, आंसर भी अपना ही होगा। इधर देखो बेटा मैंने क्या बोला, कंसिडरेशन जो पर्सन है वो खुद दे सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन दे सकता है, काउंट होगा। बट कौन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जो सब्सिडी ना दे। गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट बोली मैंने, इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये जो सब्सिडी मिल रही है ना ये है, ये कंसिडरेशन नहीं है। ये कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन है। और हम मान के चलते हैं कि जो भी कंसिडरेशन मिल रही है एक्सक्लूसिव जीएसटी है, ये भी कंसिडरेशन है। तो टोटल कंसिडरेशन कितना हो गया, 2,000 प्लस 1,000 प्लस 4,500, टोटल कितना हो गया 7,500। समझ में आया, कोई डाउट? समझा बेटा? जूम लाइव वाले स्टूडेंट्स, तो एक काम करो डेफिनेशन लिखो कंसिडरेशन, पहले डेफिनेशन लिखो फिर ये डायग्राम भी बनाना। पहले लिखो डेफिनेशन में कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ब्रैकेट में यहां पे लिख लेना एनीथिंग इन रिटर्न, ये लिखना ब्रैकेट क्लोज, फिर उसको डिवाइड करो टू पार्ट्स में। एनीथिंग रिटर्न लिखा ना, उसमें लिखना कैश पब्लिक काइंड, कुछ भी हो सकता है। टू पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो वहां पर सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखो इंक्लूड्स
राइट साइड में लिखो एक्सक्लूड्स, लेफ्ट साइड में इंक्लूड्स लिखा, वहां पे लिखो पेमेंट इन मनी पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, अदरवाइज लिखने के बाद काइंड लिख देना, अदरवाइज क्या क्या, अदरवाइज फॉर सप्लाई, फॉर सप्लाई बाय रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन, बाय रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन एक ही साथ लिखना पूरा, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई बाय रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई बाय रिसिपियंट और एनी अदर पर्सन, काइंड तो अदरवाइज के आगे ब्रैकेट में जो अदरवाइज लिखा ना उसका मतलब है काइंड, ठीक है लिखा। अब आ जाओ एक्सक्लूड में, एक्सक्लूड में लिखो सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, तुम्हारे चैट ओपन नहीं हो रही मुझसे, किसी को कोई डाउट है तो वॉइस मैसेज से पूछना, अपेक्षा टेक्निकल इशू आ रहा, चैट ओपन नहीं हो रही आपकी। चलो लिखा यहां पर, अब यहां पर एक पॉइंट है, लिखो नोट, दो नोट लिखने आपको, नोट पहला नोट लिखो consideration includes monetary value of any act or forbearance for the supply, monetary value of any act or forbearance for the supply, ना अब इसका ऑपरेशन करते हैं। ये पॉइंट क्या है, कौन समझाएगा? कोई चीज ना करने के लिए अगर कोई कंसिडरेशन दिया गया, परफेक्ट, कोई एग्जांपल, नॉन कॉम्पीट फी, एक लाइव एग्जांपल देता हूं, एक गाड़ी आती है एमजी हेक्टर, सुना आपने, एक लाइव इंसिडेंट है, हुआ क्या था, उदयपुर का एक आदमी था जिसने एमजी हेक्टर एक गाड़ी खरीदी, खरीदने के बाद में उसने देखा कि गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, एक दो महीने बाद वो शोरूम पे गया, बोला भाई गाड़ी चेंज करके दो मुझे, इस गाड़ी के पिकअप में इसमें प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बोला नहीं 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 हमारे इसमें नहीं आता है, हमको इसमें चेंज करके नहीं दे सकते हैं, हाँ आप बोलो तो हम रिपेयर करवा देंगे बट उसका पैसा आपको बेयर करना पड़ेगा। बंदे का हुआ दिमाग खराब, उसने पता है क्या किया, उसने गाड़ी के चारों तरफ बैनर लगाए और आगे गधे को लगा दिया गाड़ी के, बराबर। अब लिखा क्या है इस एमजी एक्टर गाड़ी के यहां पर, डोंकी व्हीकल, बराबर, ये सब बैनर में लग दिया कि भाई जो भी ये गाड़ी खरीद रहा है अपने साथ एक गधा भी खरीद ले, तो गाड़ी तो पिकअप उठाएगी नहीं, गधा ही उसको खींचेगा, और बकायदा रस्सी से गधे से बांध करके पूरे उदयपुर में उसने पहले गाड़ी को घुमाया, फिर एमजी एक्टर के शोरूम के बाहर खड़ी कर दी ऐसे गधे के साथ में। अब सोच लो आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो एमजी एक्टर और उसके बाहर ऐसा सीन देखो आप, तो आपकी हिम्मत होगी गाड़ी खरीदने की? वो उसकी सेल ड्रास्टिक तरीके से गिरी जो गिरी, खुडबिल भी मार्केट में गिर गई, उस बंदे के पास में गए, सीधी बात ऊपर तक बात पहुंचेगी, तो बंदे के पास में गए कि भाई हम तुझे नई गाड़ी देते हैं, तो ये वाली गाड़ी रख ले, हम एक और नई गाड़ी लेते हैं। उन्होंने नई गाड़ी क्यों नहीं दी, रिप्लेस करके दी। तो यहाँ पे कहानी में मैं
थोड़ा सा चेंज करा, मॉडिफिकेशन, कि भाई वो आकर के बोलते हैं कि भाई एक काम कर, तू ये गाड़ी तो रख ले, एक गाड़ी और देते हैं, बट उसके बदले तू ये एक्टिविटी बंद कर। अब मान लो वो आदमी मैं हूं, मुझे उन्होंने गाड़ी दी, बट उस गाड़ी के बदले मैंने क्या कंसिडरेशन दिया उनको कि मैंने कोई एक्टिविटी रोक दी जो मैं कर रहा था। तो कोई एक्टिविटी जो आप कर रहे थे उसको रोकना भी कंसिडरेशन होता है। ओके, एक और एग्जाम्पल देता हूं। अब आपने आईफोन खरीद लिया 15 मान लो, और आपको मालूम चलता है कि उसमें कुछ फीचर सही नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है। ये आईफोन में होता है कि अक्सर की कोई नया वर्जन निकलता है तो पुराने वर्जन स्लो कर देते हैं वो, है जानबूझ करके। मेरा फोन भी स्लो हो गया है अभी, मुझे दो तीन लोगों ने बोला कि नया वर्जन आ गया ना इसलिए ये स्लो कर दिया इसको। ये तो गलत बात है। अब देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ ढंग से पढ़ो थोड़ा सा, तुम सीएबी बन जाओ तो कोई गिफ्ट करो फोन हो, तब से मैं ये काम चलाऊ। मैं सीरियस रहो अपने करियर को लेकर के, मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ तुम लोगों में। तुम लोगों को सिर्फ यूँ नजर आ रहा है कि एक सीए की डिग्री, मुझे तुम लोगों में किसी का, जैसे अब ये है इसके अंदर मुझे आईफोन नजर आ रहा है बराबर है, तुम हो तुम के अंदर मुझे आईपैड नजर आ रहा है, उसके अंदर मैकबुक नजर आ रही है जो गिफ्ट मिलेंगे मुझे तुम्हारे सीए बनने के बाद में। तो कम से कम खुद को लेकर के नहीं बट मेरे गिफ्ट को लेकर के सीरियस रहो यार, ठीक है। चलो ना, अब इधर हुआ क्या, आईफोन आपने लिया उसमें गड़बड़ आ गई, तो आपने कंपनी को बात की, कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपने एक ट्वीट कर दिया या उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके पोस्ट कर दिया, बहुत ही घटिया कंपनी है, ऐसा वैसा है और सर्विस अच्छी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज वो पोस्ट डिलीट करो या वो ट्वीट डिलीट करो जो तुमने किया है, उसके बदले हम तुमको दो आईफोन दे देंगे। तुम दो आईफोन के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, ट्वीट डिलीट करना। तो किसी काम को करने से रोकना भी कंसिडरेशन होता है। ओके, तो चाहो तो जो अभी आपने ये लिखा है, ये वाला पॉइंट आपने लिखा ब्रैकेट में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दो कि एमजी एक्टर प्लस डंकी डोंकी वाला एग्जांपल। चले आगे, नोट नंबर टू। नोट नंबर टू क्या पहले समझो उसके बाद में लिखना, पहले समझ लो। नोट नंबर टू क्या बोलता है, इधर देखो, डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ओनली वेन द सप्लायर अप्लाइज एज डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। ओके, ये क्या कहना चाहता है, आओ जरा इसका ऑपरेशन करें, एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए ये है मिस्टर है, तो मिस्टर की जगह हम नाम चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ओ माय गॉड हो गया, छकरी चालू हो गई। ओके, अब आगे आ जाओ नाम इधर देखना बेटा, हुआ क्या बात उन दिनों की है, जब एक बंदा था सिद्धू, उसके पास मैं गया, मैंने कहा सिद्धू मुझे अपना यहाँ पे एक ऑफिस लगाना है बराबर है, उसके लिए जगह चाहिए, तुम्हारी बिल्डिंग मिल जाएगी क्या? इसने बोला मिल जाएगी ना सर, मेरा ऑफिस है, आप लोग काम में लो, आप और मैं अलग अलग हैं क्या, बस भाड़ा टाइम पर देते रहना। तो मैंने कहा कितना भाड़ा है, बोला सर बाकी सबसे तो 80,000 लेता हूँ, आप 1 लाख दे देना, 12 लाख डिपॉजिट। मैंने कहा ओके, अब इधर देखना, ये मैं हूं एम जी, मैंने इसको डिपॉजिट दिया कितना, 12 लाख, जो क्या है रिफंडेबल, जब मैं खाली करके जाऊंगा तो ये रिफंड कर देगा मुझे। और उसके बाद में उसके अलावा एवरी मंथ मैं इसको कितना पे करता हूँ, 1 लाख रुपीज पर मंथ, ये क्या है रेंट। बदले में ये मुझे क्या सर्विस दे रहा है, सप्लायर, मैं रिसिपिएंट हूं, ये मुझे सर्विस दे रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये सर्विस दे रहा है मुझे, बदले में मैं इसको रेंट दे रहा हूं 1 लाख। ये जो रेंट मैं पे कर रहा हूं ये है सर्विस, और ये जो डिपॉजिट रिफंड होगा ये नो गुड्स नो सर्विसेज। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन इन मनी है, क्या है
क्योंकि मैंने उनको दिया पैसा, बराबर कितना दिया, 12 लाख, वो तो मुझे वापस मिल जाएगा, तो जो दिया उतना ही अगर मुझे मिल रहा है वो तो ट्रांजेक्शन इन मनी है, बराबर। और मनी जो है वो ना गुड्स होती है ना सर्विस होती है, ओके। तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बट इस पे जीएसटी लग सकता है। यहां तक कोई डाउट ना हो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट उसको भी सप्लाई माना जाता है, उसको भी कंसिडरेशन माना जाता है। और कब माना जाता है, जब डिपॉजिट अप्लाइड हो रहा है। और ये अप्लाइड होना क्या होता है, बराबर। अब वो समझते हैं, देखो लैंग्वेज क्या बोलती है, डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट कब, ओनली वेन द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर दिस सेट सप्लाई। अब ये क्या होता है समझो, यहां पर इसी एग्जाम्पल को लेता हूं वापस। मान लो मैं बोलता हूं सिद्धू को, देख भाई सिद्धू, ये डिपॉजिट तेरा 12 लाख जो देना है ना वो मैं दे दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रेंट पे नहीं करूंगा। तू क्या करना, हर महीने जो मैंने डिपॉजिट दिया तुझे उसमें से 1-1 लाख रुपया रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेना। तो 12 महीने में 12 लाख एडजस्ट हो गए, उसके बाद तो कुछ रिफंड मत देना, मतलब नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। रिफंड किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, रेंट के अगेंस्ट, बराबर है। तो अब इधर देखना, मैं यहां पे डिपॉजिट देता हूं, सॉरी डिपॉजिट क्या होगा, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट, रेंट के अगेंस्ट ये एडजस्ट होगा, बराबर है। अब आ जाओ यहां पर, मान लो ये फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, तो हर महीने इसमें से 1-1 लाख रुपया कंसिडरेशन बनता चला जाएगा। 1-1 लाख रुपया क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंसिडरेशन में। जितना अप्लाई हो रहा उतना वो कंसिडरेशन में कन्वर्ट होने लगेगा, तो ये सब क्या बनता चला जाएगा, कंसिडरेशन। ये सब कंसिडरेशन है, जैसे जैसे मंथ होगा उसका महीने का भाड़ा कंसिडरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 लाख रुपया, ओके। और यूं करते करते लास्ट जो 1 लाख बचेगा वो 12th मंथ में कंसिडरेशन मान लेंगे, फिर कोई भी रिफंड नहीं होगा। तो ये डिपॉजिट क्या हो गया, नॉन रिफंडेबल। तो यहां पर ये जो पॉइंट लिखा गया है, डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ओनली वेन दिस सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर दिस सेड सप्लाई। एग्जाम्पल नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट और डिपॉजिट एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट, कोई डाउट। अब एक काम करो बेटा, ये नोट्स भी लिखो आप, ये लिखने के बाद ये दोनों डायग्राम बनाने हैं आपको, पहले नोट्स लिखो, लिख लिया। अब एक काम करो, ये दोनों एग्जाम्पल आपको कॉपी करने, अभी ये जब एग्जाम्पल आप कॉपी करो ना बेटा, तो कैसे करने का मैं बताता हूं। अब आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो ये इस हिसाब से वो निब्बा निब्बी बना लेने का होता है ना, ये ऐसे करके यूं बना दिया, नाम लिख लो खाली, ओके। और यहां पे गवर्नमेंट, जापान गवर्नमेंट, टाटा, ये सब नाम लिख लेने का, ओके बनाओ। हाँ आ गया, हाँ बेटा, अब बारी आती है नेक्स्ट बिजनेस की डेफिनेशन। ये आपका होमवर्क है आज का, होमवर्क में आपको डेफिनेशन पढ़नी है, कोई डाउट हो तो आपको मुझसे पूछना है, ओके। यहाँ पे ये बताया गया बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस में इन्होंने क्या क्या चीजें कवर की है, ओके। तो हम जो पढ़ते हैं ना इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसमें जो भी एक्टिविटी बताई गई वो सब इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाता है, ओके।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 7(1)(c). इसका डिटेल ऑपरेशन करते हैं। हाउ इज दैट? शेड्यूल फर्स्ट, रीड विद सेक्शन 7(1)(c), टॉपिक सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। सर ये तो अभी अभी हमने पढ़ा ना 7(1)(c), तो इसको वापस पढ़ने की क्या जरूरत है? ये तो कर चुके हम, क्या ना 7(1)(c) अपन ने नहीं किया अपन ने, वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर मैंने बताया कि पानी की गहराई कितनी है, पानी में उतरना बाकी है अभी। सर इसमें और क्या उतरना है? हमने इसका की क्या लिखा था बेटा? रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? GST में रिलेटेड पार्टी किसको बोला गया? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? यहां पे एजेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब वो सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं सिंपल सा कि रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन, वो एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आप खुद को पता करना पड़ेगा वो रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, समझ में आया? इसके लिए इसका डिटेल ऑपरेशन करने के लिए शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल फर्स्ट। और शेड्यूल फर्स्ट में हम तीन ही केस पढ़ेंगे, DRP बराबर जो 7(1)(c) में हमने ऊपर ऊपर से देखा था। ये शेड्यूल बनाने के पीछे का रीजन था कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो रही थी जो विदाउट कंसिडरेशन थी। अब गवर्नमेंट कंफ्यूज थी कि उनको सप्लाई कैसे माने, क्योंकि 7(1)(a) की जो डेफिनेशन बनाई गई थी वो 7(1)(a) की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने क्या बनाई, उन्होंने डेफिनेशन में लिख दिया था कि भाई 7(1)(a) के लिए क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा इनकोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, ये तीन एक्टिविटी ऐसी थी जिनमें कंसिडरेशन नहीं होता था, तो उस केस में क्या माने? तब उन्होंने बोला भाई नहीं, उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता, उनको भी सप्लाई माने। तो इसमें पहला केस आता है डी, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इफ ITC हैज बीन अवेल। ओके, अब इधर देखना, इसका लॉजिक समझो पहले। मान लो यह है प्रियंका, हर्षिता और ये सीधा साधा भोला वाला इंसान है। ओके, बराबर है। मैंने प्रियंका से कुछ गुड्स खरीदा, मान लो ये लैपटॉप ही ले लो, 1,00,000 रुपए का, जिसमें मैंने GST पे किया 18,000। ये सप्लायर है, मैं रिसिपियंट हूं। बात है January 2023 की। मैंने जनवरी में कुछ गुड्स किसी को बेचा, सप्लायर या रिसिपियंट या सर्विस दी, मान लो सर्विस दी मैंने जिसको, हर्षिता को, ITI पढ़ने के लिए आई थी, फीस ली मैंने 5,00,000 और GST चार्ज किया मान लो मैंने 90,000 18% से। अभी 90,000 मुझे गवर्नमेंट को पे करने थे, मैंने गवर्नमेंट को पे किया 90,000 माइनस ITC ले लिया मैंने, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना 18,000, कितना पे किया मैंने सिर्फ 72,000। ओके, सब कुछ मेरी लाइफ में बढ़िया चल रहा था, बट कभी कभी होता ना कि खुशियों को अक्सर नजर लग जाती है, बराबर है। तो एक दिन शिफा आई मेरे ऑफिस में मेरी खुशियों को नजर लगाने के लिए, आकर के मुझे बोले सर आपका लैपटॉप तो बहुत अच्छा है सर। मैंने कहा थैंक यू, बोल सर मुझे दे दीजिए। मैंने कहा शिफा मेरे बिजनेस के काम में आता है। बोले सर आज तक जो चीज मैंने मांगी और वो मुझे नहीं मिली ना, वो चीज फिर किसी काम की नहीं रहती है। और देख लो आना जाना तो आपको इसी रास्ते से, सोचो कभी आप रोड क्रॉस करो कोई ट्रक उड़ा करके चला गया, अच्छा थोड़ा लगेगा, घबरा गया मैं तो, सीधा साधा भोला वाला आदमी हूं। मैंने कहा ठीक है लैपटॉप तुम ले जाओ। अगले महीने मैंने लैपटॉप इसको दिया, अभी यूज भी नहीं किया होगा मैंने लैपटॉप, फरवरी के अंदर या मार्च में
मैंने शिफा को दे दिया। अब मोदी जी आए, बोले गोट साहब ये लैपटॉप आपने काम में लिया था क्या? मैंने कहा नहीं। बोले आपको पता है कोई भी असेट्स खरीदते हो आप तो 5 साल तक बिजनेस के काम में आने चाहिए। स्टॉक तो कितना भी हो सकता है, स्टॉक के लिए नहीं है, बट कैपिटल गुड्स जो होते हैं ना वो 5 साल तक कम से कम बिजनेस के काम में आने चाहिए। और ये कैपिटल गुड्स है, आपने बेच कैसे दिया कैपिटल गुड्स को? मैंने कहा वो तो बेच दिया तो पैसा मिलेगा। तो बोले लाओ वो जो पैसे पे जीएसटी लगा वो हमको दो। मैंने कहा नहीं, वो तो फ्री में लेके गई, पैसा भी नहीं दिया उसने, और फ्री वाला तो कंसिडरेशन माना ही नहीं जा सकता। तो आप इधर देखना, यहां पर अगला पॉइंट, मैम जी ये शिफा, मैंने वही लैपटॉप शिफा को दे दिया कंसिडरेशन के नाम पे फ्री, बराबर मैं सप्लायर ये रिसिपियंट, और यहां पर ये फ्री है। तो मैंने बोला विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होगा नहीं। तो मोदी जी ने बोला गॉड साहब ये जो 18,000 का क्रेडिट आपने लिया है ना उसके हकदार नहीं हो, उसके हकदार नहीं हो, क्योंकि क्रेडिट कब मिलता जब आप असेट्स को बिजनेस के काम में लोगे। आपने तो उसको शिफा को दे दिया, बिजनेस के काम में लिया ही नहीं, उसको रिवर्स करो, उसको रिवर्स करो। बोले मान लो आपने ये लैपटॉप खरीदा होता जनवरी में और आप खरीदते ही आप शिफा को दे देते तो क्या आपको 18,000 का क्रेडिट मिलता? मैंने कहा नहीं। तो बोले उस वक्त आप मुझे कितना पे करते? मैंने कहा पूरा 90,000। तो बोले आपने 18,000 कम पे किया मुझे, वो 18,000 को अब दो वापस मुझे। क्यों? क्योंकि आपने उस असेट्स को बिजनेस के काम में 5 साल तक नहीं लिया। कैपिटल गुड्स होता तो 5 साल तक लेना पड़ता है, और स्टॉक को तो आपको रखना ही पड़ेगा। स्टॉक तो आपने किसी को कभी भी दिया, क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। अगर एज इट इज दे दिया तो फ्री में, अगर आईटीसी ले चुके हो तो, आईटीसी नहीं लिया तो अलग बात है। तो मोदी जी ने बोला देखो 18,000 पे करो। मैंने कहा पे तो मैं तब करूंगा ना जब ये सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, तब ये प्रोविजन बनाना पड़ा आपको कि डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, मतलब बैलेंस शीट से हटा दिया अपने असेट्स को, या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, या परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, परमानेंटली दे रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई मानी जाएगी कब? अगर उसका आईटीसी आपने अवेल कर लिया। तो यहां पर आईटीसी आप अवेल कर चुके हो, समझ में आया? कोई डाउट? तो यहां पर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो इस वजह से यहां पर ये सप्लाई माना जाएगा। क्यों? बिकॉज आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन लैपटॉप हैज बीन अवेल्ड, वो अवेल कर सके। समझ में आया? मान लो 10 जनवरी को लैपटॉप खरीदा, 20 जनवरी को आपने सर्विस दी, ये जो है यहाँ पे मान लो डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट है, रही है 10 मार्च 2023 को मैंने वही लैपटॉप परमानेंट ट्रांसफर कर दिया शिफा को, परमानेंट ट्रांसफर जिसका आईटीसी अवेल कर चुका हूं मैं, तो ये क्या माना जाएगा? सप्लाई। तो एक काम करो, हेडिंग लिखो सबसे पहले शेड्यूल फर्स्ट सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 7(1)(c), इसका की लिखना डीआरपी, डीआरपी। अब सबसे पहले लिखोगे आप पी, पी लिखने के बाद परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, पी नहीं सॉरी सॉरी रॉन्ग लिख दिया, डी डी आएगा, डी नॉट पी, डी।
परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, बस इतना सा लिखना है। लिख दिया। अब ये वाला एग्जांपल कॉपी करो। चलो बेटा इधर आओ, एक टेस्ट लेते हैं कितना तुम लोगों को समझ में आया ना। आपको ये प्रिज्यूम करके चलना है कि भाई इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सही है। चार केस हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। ओके, पहला जो केस है उसके हिसाब से आपको बताना है कि भाई मैंने कोई गुड्स खरीदा जिसका आईटीसी मैंने अवेल नहीं किया है, आईटीसी अवेल नहीं किया है, कंसिडरेशन भी नहीं लिया और फ्री में किसी को बेच दिया, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? पक्का दृष्टि ये सप्लाई होगा? नो, दिव्या का कहना नो, स्क्रेच करते हैं नो। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, मैंने आईटीसी अवेल नहीं किया बट मैंने कंसिडरेशन लेकर के कोई भी चीज बेच दी, क्या सप्लाई माना जाएगा? यस, क्योंकि शेड्यूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे सीधा 7-1 ही लग जाएगा कि भाई इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और कंसिडरेशन है तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा। 7-1 के अकॉर्डिंग सप्लाई हो गया। नेक्स्ट, आईटीसी अवेल किया बट कंसिडरेशन नहीं लिया और परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, कौन सा सेक्शन? 7-1 के अकॉर्डिंग सप्लाई माना जाएगा। कंसिडरेशन आईटीसी अवेल किया, कंसिडरेशन भी लिया, सप्लाई माना जाएगा, 7-1 लग रहा है। तो जब 7-1 लग रहा है तो सी लगाने की जरूरत नहीं होती है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो सबसे पहले हम रिलेटेड पर्सन की बात करते हैं, रिलेटेड पार्टी की बात करते हैं। आ जाओ जरा, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होता तो उसको सप्लाई माना जाएगा। बट क्वेश्चन है रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है, तो यहां पर मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, ब्लड रिलेशन, जिसपे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दूसरा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। थर्ड, अदर केसेस, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है और नहीं भी बनता है। बराबर है, मतलब अभी तक तो ऐसा कभी आया नहीं है बट कभी कभार बनाया जा सकता है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं बनाएंगे, होता ना कि कभी कभी होता मूड, चलो कुछ तूफानी करते हैं, कुछ हट करके चलते हैं। बच्चा वो पढ़ करके आएगा जो हम जनरली पूछते हैं, तो इस बार हम वो पूछे जो हम कभी पूछते ही नहीं है, तभी इसके चांस बन सकते हैं। ओके, ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में रिलेटेड पार्टी किसको माना गया है? तो उन्होंने बोला दो ऊपर के एक नीचे का, एक दाएं का एक बाएं का,
क्या बोला गया? दो ऊपर के, एक नीचे का, एक दाएं का, एक बाएं का। समझ में आया? कोई डाउट? वापस से क्या है रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में, ब्लड रिलेशन में? दो ऊपर के, एक नीचे का, एक दाएं का, एक बाएं का। इसका मतलब समझो, मान लो यहां पर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं सिद्धू, इसके रिलेटेड पार्टी कौन है ये हमें पता करना है। तो दो ऊपर के मतलब इसके दो जनरेशन ऊपर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। एक नीचे का मतलब सन डॉटर, एक दाएं का, एक बाएं का मतलब इसके बराबर वाले सिबलिंग्स, बराबर है, ब्रदर्स सिस्टर। समझ में आया? और याद रखना बेटा, स्पाउस जो होती है वो तो रिलेटेड पार्टी होती होती है बेटा, सात जन्म का रिश्ता उसके साथ। तो हर पति सोचता है कि सातवां जन्म हो, हर बीवी सोचती है पहला जन्म हो, बराबर है। और यहां पे बता दो बेटा सिद्धू, इसमें स्पाउस में वो स्पाउस कवर होती है जो लीगल हो, इसमें वो कवर नहीं होगी। देख देख तेरी भाभी जा रही है, वो भाभियां इधर कवर नहीं होती बेटा, ठीक है? ओके ना, तो ध्यान से सुनना। यहां पर पेरेंट्स, पेरेंट्स में स्टेप फादर स्टेप मदर है तो वो भी कवर होंगे। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में सिद्धू अगर टैक्सेबल पर्सन है और सिद्धू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो सिद्धू के ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, ना कि इसकी बीवी के ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स। मतलब तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है यहां पर। ये ब्रदर सिस्टर जो मैंने लिखा है, ये भी तुम्हारे हैं। तुम्हारी साली भली आधी घर वाली हो, बट फिर भी यहां पर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। साला भली तुम्हारा सुंदरलाल कितना भी अच्छा हो, बराबर है, बट फिर भी वो रिलेटेड पार्टी नहीं है यहां पर। ओके, सन डॉटर रिलेटेड पार्टी होंगे, इसमें अडॉप्टेड सन वगैरह भी आते हैं, अडॉप्टेड डॉटर भी आती है, वो कवर होंगे। अब इधर देखना, ध्यान देने वाली बात, जो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो अक्सर लोगों से मिस हो जाती है, ये जो है ना ब्रदर पेरेंट्स सिस्टर्स, ये सब रिलेटेड पार्टी तभी होंगे जब फुल्ली डिपेंडेंट ऑन सिद्धू। फुल्ली डिपेंडेंट का मतलब क्या? तो फिनेंशियली डिपेंडेंट, मतलब अगर इन लोगों का खुद का बिजनेस है तो ये सिद्धू के रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। मतलब सिद्धू का भाई अगर बोल देता है, घर पे आता और आकर बोलता, भैया मेरा इंटरव्यू सक्सेस हुआ, अब मैं जॉब पे लग सकता हूं, कल से मेरी जॉब शुरू हो रही, 12 लाख का पैकेज है, उसी दिन रिश्ता खत्म, बराबर है, क्योंकि वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। ओके, तो सिद्धू क्या बोलेगा? मेरा भाई बनना है तो जॉब छोड़नी होगी, तुझे मुझ पर ही डिपेंडेंट रहना होगा, तब तक कि तू मेरा भाई है। जैसे इंडिपेंडेंट हुआ रिश्ता खत्म अपना, बराबर। सेम टू सेम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है, जब तक तुम पे डिपेंडेंट है तब तक ही वो तुम्हारे रिश्तेदार है, अदरवाइज नहीं। सेम टू सेम सिस्टर पर, सिस्टर की शादी, सिस्टर जीजाजी पे डिपेंडेंट, तुम पे तो नहीं है, रिश्ता खत्म। ओके, लेकिन हाँ, सन डॉटर या बीवी मतलब स्पाउस, स्पाउस की वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर फीमेल है यहां पे कोई तो उसके लिए मेल स्पाउस होगा। तो सन डॉटर और स्पाउस जो है, चाहे आप पे डिपेंडेंट हो या ना हो, वो आपके रिश्तेदार रहेंगे हमेशा। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है, मेरे पिताजी बिल्डर है, बराबर है, आज भी उनका बिजनेस है, मैं उनका रिश्तेदार नहीं, क्यों? मैं उनका रिश्तेदार हूं, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि मैं तो उनका बेटा हूं। अब मैं चाहे डिपेंडेंट हूं या इंडिपेंडेंट हूं, उनका तो रिलेटेड पार्टी हूं, बट मेरे पापा मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? तो मैं उनका रिश्तेदार हूं, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। पापा बोलेंगे, बेटा तू मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू मेरा रिश्तेदार है। मैं बोलूंगा, बट पापा मैं आपका रिश्तेदार हूं, बट आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो। मतलब देखो कितना बड़ा पाप करवा रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट। अब इधर देखना, यहां पर यह तो गया ब्लड रिलेशन की बात। ब्लड रिलेशन के बाद में अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो वहां पे हम देखते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर।
एन एम्प्लॉय, ये भी रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। मतलब हर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी होंगे। क्या होंगे? रिलेटेड पार्टी होंगे। समझ में आया? अब इनको रिलेटेड पार्टी क्यों माना गया? क्योंकि इनके थ्रू फ्रॉड होता था। कैसे होता था, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल मान लो, मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बेचना मार्केट में, सिद्धू मेरा बेटा है मान लो, मैं इसको माल दूंगा, बराबर है, तो वो रिलेटेड पार्टी हो गए। फ्री में भी दूंगा तो सप्लाई मान लेंगे। तो मैंने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को बोला कि मैं तुझे माल बेचता हूं फ्री में तो सप्लाई होगा नहीं, और तू फ्री में माल बेच दे सिद्धू को, तो तेरा तो सिद्धू रिलेटेड पार्टी नहीं है, तब भी सप्लाई नहीं होगा, तू भी मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं, कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं अपने बीच में, बराबर है। तो मैं तुझे देता हूं वही माल, तू सिद्धू को फ्री में दे दे। अब मेरा माल सिद्धू के पास फ्री में पहुंच भी गया और सप्लाई भी नहीं हुआ, तब गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेटा तेरा एम्प्लॉय तेरे इशारों पर नाचने वाला है, क्योंकि पगार तो तू ही देता उसको, तो जो बोलेगा तेरा एम्प्लॉय करेगा, इसलिए तेरे एम्प्लॉय को भी हम यहां पर रिश्तेदार मानेंगे, बराबर है। तो याद रखना, यहां पे एम्प्लॉय भी रिलेटेड पार्टी होता है। बट इसको लेकर के एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया था मार्केट में, ये हंगामा कर दिया था अंबानी जी ने पहले ड्राफ्ट में। क्यों? क्योंकि रिलायंस कई बार, खासतौर से टाटा, रिलायंस टाटा ये सब लोग दिवाली पर, न्यू ईयर पर गिफ्ट देते अपने एम्प्लॉय को, बराबर है। अब जस्ट थिंक कि प्रियंका मेरी एम्प्लॉई है, तो मेरी रिश्तेदार भी हो गई ऑटोमेटिक, रिलेटेड पार्टी। अब मैंने सोचा कि भाई इन सबको गिफ्ट दिया जाए, तो मैंने क्या क्या राडो की वॉच खरीदी, डिस्काउंट में मिल रही थी, जो 80,000 की घड़ी थी 40,000 में मिल रही थी, मैंने खरीद करके गिफ्ट की सारे एम्प्लॉय को, 40-40 हज़ार का गिफ्ट, बराबर है। तो मेरे लिए तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि रिलेटेड पार्टी को फ्री में दिया, गिफ्ट तो फ्री में ही देंगे, तो मुझे तो उस 40,000 पे जीएसटी पे करना पड़ जाएगा सरकार को, समझा? तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई। अब कोई आदमी गिफ्ट देने से डरेगा अपने एम्प्लॉय को? तब यहां पर गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया, गवर्नमेंट को बोला गया भाई ये गलत प्रोविजन है आपका, इससे फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देना बंद कर देंगे, जो एम्प्लॉय के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तब गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन में छोटा सा चेंज किया कि अगर कोई भी नींदारी बेटा, कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, क्या देता है, जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 50,000 पर फिनेंशियल ईयर है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अब 40,000 का गिफ्ट मैं प्रियंका को दूंगा तो वो सप्लाई नहीं है, बट 60,000 का दिया तो सप्लाई मान लिया जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ गया, मान लो मैं प्रियंका को 60,000 का गिफ्ट दे रहा हूं, तो सप्लाई क्या है, 10,000 या पूरा 60,000? अब यहां पर एक साइलेंट है, यहां पर एक ने कुछ क्लेरिफिकेशन ही नहीं दिया। तो गवर्नमेंट तो पूरा 60,000 को सप्लाई मानती है, बट जिस किसी दिन भी मेरे पास में सके शायद मैं तो 10,000 पे टैक्स पे करूंगा। तो जब प्रोविजन को क्लियरली आपने मेंशन ही नहीं किया, आपने ही बोला पर फाइनेंशियल 50,000 रुपये तक के गिफ्ट की वैल्यू जो कि उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अब इसमें दूसरा तरीका लोग क्या निकालते हैं, मान लो मुझे प्रियंका को दो गिफ्ट देना है पर एम्प्लॉय, मुझे प्रियंका को दो गिफ्ट देना है, दोनों की वैल्यू 80,000 है, तो मैं क्या करूंगा, 31 मार्च को 40,000 का दूंगा और 1 अप्रैल को 40,000 का दूंगा, एक दिन बाद में फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, यूं करके किया जा सकता प्लानिंग। ओके, समझ में आया? कोई डाउट? अब इनके अलावा रिलेटेड पार्टी का तीसरा कैसा था, अदर्स। अब अदर्स में क्या हो गया, होल्डिंग सब्सिडरी हो गया, या मैं रिलायंस का डायरेक्टर हूं और रिलायंस के मुकेश अंबानी जी मेरी कंपनी में डायरेक्टर है, मतलब मैं उनकी कंपनी में, वो मेरी कंपनी में, दोनों की कंपनियां एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। दोनों पे मान लो मेरी कंपनी और रिलायंस की कंपनी पे कंट्रोल टाटा का है, बराबर, तो टाटा तो मेरे रिलेटेड पार्टी हो गए, मेरी कंपनी के टाटा रिलायंस के भी रिलेटेड पार्टी हो गए, बट मैं और रिलायंस भी आपस में रिलेटेड पार्टी हो गए, क्योंकि दोनों पे कंट्रोल
टाटा का है, तो वो सब अदर्स के केस में आता है। ओके, तो आज आपका इधर आ जाओ, जरा समझते हैं रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में क्या क्या कवर किए इन्होंने। पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन आर एंड पर्सन आर ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ऑफ वन अदर्स बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस में डायरेक्टर है। ओके, दूसरा सच पर्सन आर लीगली रिकग्नाइज पार्टनर, अगर वो पार्टनर है एक दूसरे के तो रिलेटेड पार्टी है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई है तो रिलेटेड पार्टी, जो हमारा सेकेंड वाला केस था। चलो इधर नेक्स्ट, ए थर्ड पर्सन कंट्रोल ओन्स होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 25% वोटिंग स्टॉक शेयर और बोथ ऑफ देम। अब देखो टाटा है, वो मेरी कंपनी में और रिलायंस कंपनी में दोनों में 25% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखते हैं और कंट्रोल अपने पास में रखते हैं, या तो हम, मैं और रिलायंस भी आपस में रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। तो टाटा और मैं तो रिलेटेड पार्टी है ही, टाटा रिलायंस भी रिलेटेड पार्टी है, बट मैं और रिलायंस भी रिलेटेड पार्टी मान लिए जाएंगे, क्योंकि डिसीजन कौन लेगा? टाटा, कंट्रोल उनके हाथ में। वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर्स, या थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली या थर्ड पर्सन। अब मैं और रिलायंस मिलकर के टाटा को कंट्रोल कर रहे हैं, तो टाटा मेरा रिलेटेड पार्टी है, टाटा रिलायंस का भी रिलेटेड पार्टी, बट मैं और रिलायंस भी आपस में रिलेटेड पार्टी मान लिए जाएंगे। और ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में स्पाउस सन डॉटर, चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर इफ होली डिपेंडेंट। ओके, तो अब एक काम करो, सबसे पहले आप लिखो प्रोविजन जैसा मैं बोलता हूं, आपको लिखना है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। यहां पे पहले तो की लिखना, की क्या आएगा? आर, ठीक है, आर रिलेटेड पार्टी। और हेडिंग लिखो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स, लिखा अभिद्राव। इसमें आपको लिखना है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विल क्वालिफाई एज सप्लाई इफ इट इज मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये लिखो, अब इधर देखो, ये लिखने के बाद नीचे लिखो रिलेटेड पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन का मीनिंग कैसे लिखना है? इधर देखो, रिलेटेड पर्सन में आपको एक काम करना पड़ेगा, ये इस हिसाब से लिखना होगा रिलेटेड पर्सन, और उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना, ब्लड रिलेशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन एंड अदर केसेस, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करो उसको। हो गया? अब इधर अदर केसेस जो आपने लिखा है उसमें लिखो रेफर पेज नंबर, भी आपकी बुक के कौन से पेज पर है? मेरी बुक में 2.5 पर है, आपकी में कौन से पेज पे है? 2.5 पे ही क्या? चेक कर लो एक बार, है ना, रेफर पेज नंबर 2.5। अदर केसेस आपको वहां से देखना है। ओके ना, अब आ जाओ नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन यहां पे लिखो हेडिंग, उसमें ये डायग्राम बनाओगे आप, सिद्धू, सिद्धू की जगह हस्बैंड लिख देना, यहां पे वाइफ, या टैक्सेबल पर्सन लिख दो, टीपी टैक्सेबल पर्सन। ब्रैकेट में सिद्धू, ब्रैकेट में सिद्धू, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। बड़ा प्रैक्टिकल सम सबके, ये मान के चलो जीएसटी के अंदर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, एक बनेगा 8 मार्क्स का, 14 और 8 कितने हो गए? 22, 22 एक बनेगा 7 मार्क्स का, कितने हो गए? 29, 29, और फिर आगे डिमांड रिकवरी में इनमें से केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बनेंगे,
तो 29 ये मानकर जो 40 मार्क्स, 40 मार्क्स के अप्रोक्स आपके प्रैक्टिकल आएगा, एमसीक्यू में भी हो सकता है, तो प्रैक्टिकल में मजा नहीं आता तुमको, बट प्रैक्टिकल ये नहीं समझ में आएंगे तो कर ही नहीं पाओगे। नहीं नहीं रिटेन और रट्टा नहीं मारना आपको, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं आएगा, रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन लिखो, वह सब नहीं आने वाले आपके। आपको तो एक सिचुएशन है, केस स्टडी दी जाएगी, उसके बेस पर आपको अपना आंसर देना होगा। बट हाँ थ्योरी रिटेन क्यों रखनी होती थोड़ी बहुत, क्योंकि प्रोविजन तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको, वो चाहे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तब भी लिखना पड़ेगा, केस स्टडी क्वेश्चन आए तब भी लिखना पड़ेगा वो तो। चलो इधर आ जाओ बेटा, अब ब्लड रिलेशन लिख दिया, सेकंड केस में इतना सा लिख दो, सेकंड केस में लिखो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी सेकंड केस। पहला केस तो ब्लड रिलेशन का था रिलेटेड पार्टी में, दूसरा एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी लिखा। अब इस पॉइंट का नोट लिखना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉइंट का नोट लिखना है। ओके नोट में लिखो, इफ इफ gifts not exceeding rupees 50,000 in value in a financial year by employer to employee shall not be treated as a supply of goods or service or both. If gifts not exceeding rupees 50,000 in a value in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or services or हो गया लिख लिया ये। हाँ अब आ जाओ सेकंड केस, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ध्यान से सुनो, इधर देखो, मान लो ये महाराष्ट्र और ये है गुजरात, ये है गोवा। ओके डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि अगर किसी एक ही स्टेट में एक ही आदमी के जितने भी रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस हैं वो सब एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके एग्जांपल से समझो, मान लो मैंने अपना पहला ऑफिस लगाया मुंबई में महाराष्ट्र में, मैंने इसका रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर 1 REG 1 मान लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। फिर मैंने कहा एक ब्रांच पुणे में भी लगा दी जाए, मैंने पुणे में एक ब्रांच लगा दी, पुणे में ब्रांच, बट उसका रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है मेरे लिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेट में आपके जितनी भी ब्रांचेस हो सकते हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन चल सकता है काम उससे। तो मेरा मुंबई का जो रजिस्ट्रेशन है वही पुणे के लिए भी यूज हो जाएगा, सेम दोनों का रिटर्न एक साथ ही फाइल होगा, बराबर दोनों का टर्न ओवर हमेशा क्लब होकर के देखा जाएगा कि टोटल टर्न ओवर कितना मेरा बराबर है। तो वो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो तो एक मई यूनिट, डिस्टिंक्ट का मतलब जो अलग आदमी, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया अलग आदमी, तो वो तो मैं ही हूं, पुणे वाली मेरी ब्रांच मैं ही हूं,
जो मुंबई है वही पुणे है, जो पुणे है वही मुंबई है, क्योंकि दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है। ओके, लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरा जीएसटी प्रैक्टिस है, मेरे एक ऑफिस वसई में है, एक बोरीवली में है, एक अंधेरी में है, तीनों का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा। अब तीनों का रिटर्न फाइल होता है, तीन अलग अलग ब्रांच से थोड़ी करता हूं मैं, तीनों का एक ही कंबाइंड रिटर्न फाइलिंग होता है, तीनों की अकाउंटिंग भी एक ही जगह पे होती है बराबर, और रिटर्न फाइलिंग भी एक ही जगह पे होता है, तो ये तीनों ऑफिस एक ही माने जाते हैं, ये अलग अलग नहीं है। फिर मैंने क्या सोचा, पुणे के लिए अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूं मैं, और मैंने क्या किया, पुणे के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, उसमें पैन नंबर तो मेरा यूज होगा, तो कॉमन पैन में जितने भी रजिस्टर्ड प्रिमाइसिस है मेरे, वो सब एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। अब वो अपने आप में एक अलग आदमी हो गया, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन लिया वो एक अलग आदमी हो गया, उसको क्या हो गया, वो एक अलग आदमी, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब इधर देखना, मैं मुंबई से पुणे कोई माल भेजता हूं या कोई सर्विस देता हूं विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई मान ली जाएगी, वो सप्लाई मान ली जाए, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई को सप्लाई माना जाता है। और यहां पे डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोला गया है, एक ही आदमी के जितने भी रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है जो कॉमन पेन में रजिस्टर्ड है, इसमें कॉमन पेन में रजिस्टर्ड है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब यहां पे देखना, अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो पुणे वाला है वो मेरा पेन यूज करके नहीं लेता, सिद्धू का पेन यूज करके लेता, सिद्धू का पेन कार्ड यूज किया, अब सिद्धू का पेन कार्ड यूज किया मैंने वहां पर, बराबर है, तो उस केस के अंदर वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं होता, मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होता। मैं अगर उस केस में पुणे ब्रांच को कोई भी सर्विस देता, गुड्स देता फ्री में, तो वो सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि वो मेरे पैन में रजिस्टर्ड नहीं है। वो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन कब माना जाएगा, जब वो मेरे पैन में रजिस्टर्ड, मेरा पैन नंबर यूज करके रजिस्टर्ड हो। ओके, तो आज के बाद याद रखना, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, एक ही स्टेट में उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी आपके रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस हैं, वो सब आपके एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन बनना चाहते हैं। इसका मतलब इधर देखो, नागपुर में भी मैंने एक ब्रांच लगा ली, इसका मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इसका टर्नओवर में हमारे मुंबई वाले ऑफिस के उसमें ही दिखा देता हूं, तो ये दोनों एक ही माने जाते हैं, तो मैं मुंबई से नागपुर कोई सर्विस दूंगा तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, बराबर है, मुंबई से पुणे सप्लाई दूंगा विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई मानी जाएगी, बट मुंबई से नागपुर दूंगा तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर में होता है। अगर नागपुर से कोई सर्विस दी जाती है तो सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर में मुंबई वाला ही यूज होता है, समझ में आया, बट जैसे इसका भी रजिस्ट्रेशन ले लिया मैंने, तो ये तीनों अब एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन, समझ में आया। दूसरा केस, अगर मेरी कोई ब्रांच दूसरे स्टेट में, किसमें है, दूसरे स्टेट में, जैसे गुजरात में है, गोवा में है, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, डिस्टिंक्ट पर्सन बनना चाहिए, चाहे या अनरजिस्टर्ड हो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है तब भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, ये रजिस्टर्ड है तब भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, समझ में आया, कोई डाउट, पक्का, ऑल ब्रांचेज या यूनिट्स, सिचुएटेड इन ए स्टेट या यूनियन टेरिटरी, बराबर है, इफ ब्रांचेज आर रजिस्टर्ड तो क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर वो दूसरे स्टेट में, इन एनी अदर स्टेट, तो फिर वो क्या माना जाएगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे।
समझ में आया, तो डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट समझा, तो एक काम करो, हेडिंग लिखो डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पार्टी के बाद में लिखो डिस्टिंक्ट पर्सन। लिखो उसमें ए पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन में लिखो ए पर्सन हु हैज ऑब्टेंड ऑब्लिक इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेंड, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन अंडर कॉमन पेन, अंडर कॉमन पेन PAN पेन। हेरो करके लिखो बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। पता है ये पॉइंट क्या बोलता है कि एक ही आदमी के कितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, कितने भी कॉमन पेन में जो भी है, वो सब एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो ये जो लाइन लिखी उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो हमारे ये जो एग्जाम्पल है उसमें देखना कौन कौन से डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, ये रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, और ये भी रजिस्टर्ड है, ये सब एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। बट अभी भी कौन सा छूट गया, गोवा, उसका पॉइंट लिखेंगे नोट में, लिखो नोट, नोट, नोट में लिख देना एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5, एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5। अब इधर देखो बेटा, तुम बोले एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5, ये किसके लिए, हाँ एक काम करना डिस्टिंक्ट पर्सन की हेडिंग लिखी आपने, वहां पे सेक्शन 25 लिख देना, वहां पे सेक्शन 25 लिख देना। ओके अब सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, किसी और स्टेट में आपका अनरजिस्टर्ड प्रिमाइसिस भी है वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो इसमें लिखो इधर देखो, ये सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सच एस्टेब्लिशमेंट शेल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, पूरा लिखना है। और याद रखना बेटा यहां पर ये जो इन्होंने बोला है कि सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट यूनियन टेरिटरी वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, लिख लो पहले, लिख लो फिर बताता हूं। इधर ये 3 यूनिट है, ये एमजी एंड कंपनी, ये भी एमजी एंड कंपनी, ये एडनोवेट, एडनोवेट। ओके 3 यूनिट है। अब इधर देखना ये पेन नंबर है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, 15 डिजिट का होता है, उसमें 2 डिजिट के बाद का जो नंबर होता है वो पेन नंबर होता है आपका। तो ये यहां से लेकर के ये यहां तक ये पूरा आपका पेन नंबर है।
अभी सेम पेन नंबर यहां पे भी कॉमन है, रजिस्ट्रेशन में भी बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन है, चाहे ये महाराष्ट्र में हो दोनों यूनिट या एक महाराष्ट्र में गुजरात में। तो मैं यहां से यहां अगर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करूंगा तो ये डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। ये एडनोवेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैंने एडनोवेट को अगर फ्री में विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई किया तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टी नहीं है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? चले आगे ना। अब एक काम करते हैं, इधर देखना, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये जवाब दे पाते हैं, पता लगेगा। यह है मुकेश अंबानी जी, बराबर है, ये एक एम्प्लॉयर है, इनके तीन एम्प्लॉई है, एचआर के, सलमान, और अक्षय, तीन एम्प्लॉई है। ओके, इसको मैं 60,000 कर देता हूं, इधर देखो, ध्यान से सुन लो। मुकेश अंबानी ने सोचा कि अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे, उसने तीन गिफ्ट खरीदे अलग अलग, एक वॉच खरीदी, बराबर है, साइकिल खरीदी, ओके, और एक लैपटॉप खरीदा, ओके। अब जो वॉच खरीदी उसका उन्होंने कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया है, बराबर है, और वो जो वॉच है वो गिफ्ट कर दी 40,000 की शाहरुख खान को। शाहरुख खान कौन है? एम्प्लॉय मुकेश अंबानी की, ये तीनों एम्प्लॉय है, ओके। सलमान खान को जो साइकिल गिफ्ट की उसका भी कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो साइकिल उनके बिजनेस के काम में नहीं आ रही थी, ना वॉच बिजनेस के काम में आ रही थी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नो आईटीसी, ये बिजनेस के काम में नहीं आ रही थी, ये भी नो आईटीसी क्लेम। चालीस हजार का गिफ्ट एसआरके को दिया, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्यों? नो सप्लाई, क्योंकि वैल्यू लेस देन 50,000 है, ओके। दूसरा, साइकिल गिफ्ट की जिसका आईटीसी क्लेम नहीं किया, किसको? सलमान को, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? यस, ये सप्लाई है, क्यों? क्योंकि वैल्यू मोर देन 50,000। अब अक्षय को उन्होंने 20,000 का गिफ्ट दिया लैपटॉप, बट उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, वो क्लेम कर चुके हैं। आईटीसी लेने के बाद 20,000 का गिफ्ट अक्षय को दिया, ये सप्लाई है या नहीं है, ये बताओ। सोच करके आंसर दो, क्या बोल रही इशिता? सप्लाई है, आईटीसी क्लेम किया, इसका मतलब बिजनेस असेट से, तभी आईटीसी क्लेम किया, नहीं तो नहीं करते। कभी भी आईटीसी क्लेम कर लेते ना, इसका मतलब वो बिजनेस असेट से ही है, अदरवाइज बिजनेस असेट्स नहीं होते तो आईटीसी कभी नहीं क्लेम किया जाता। क्या होगा मीनाक्षी? सप्लाई? हर्षिता सप्लाई? शिपा नो आइडिया? गेट आइडिया? अच्छा नो सप्लाई, ओके। इशिता सप्लाई? सप्लाई। प्रियंका? ये सप्लाई माना जाएगा, ये रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक पर्सन की वजह से सप्लाई नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है ना, डीआरपी का डी, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, उस पॉइंट की वजह से सप्लाई हो जाएगा।
तो ये सप्लाई होगा, क्यों होगा? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स इफ आईटीसी हैज बीन इस पॉइंट की वजह से सप्लाई हुआ है। समझा? कोई डाउट? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक और केस ले लेते हैं बेटा, एक और केस ले लेते हैं। ये विक्की क्वेश्चन बराबर है। अब यहां पे हमको ये प्रिज्यूम करके चलना है कि जो भी सर्विस मिल रही है वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, उसका एक इश्यू आएगा। तो हम यहां पे प्रिज्यूम करते हैं जितने भी सर्विस मिल रही है वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ओके, तो ऑल सर्विसेज रिसीव्ड बाय विक्की कौशल इज इन कोर्स और फर्दरेंस और बिजनेस। ओके, अपने बिजनेस के काम में लेगा। अब एक मिस्टर ए है जो यूएसए के हैं, उन्होंने विक्की कौशल को सर्विस दी है, बराबर है। तो ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, सर्विस दी जिसका कंसिडरेशन 10 लैक्स है, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? क्योंकि सर्विस है, कंसिडरेशन है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ये सप्लाई माना जाएगा। ओके, दूसरा केस, कटरीना जो उसकी वाइफ है, उसने विक्की कौशल को कोई सर्विस दी जो उसके बिजनेस के काम में आएगी, और ये सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है। क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। क्या इसको सप्लाई मानेंगे? यस। सप्लाई, क्योंकि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होती तो ये सप्लाई नहीं होता, क्योंकि रिलेटेड पार्टी अगर फ्री में कोई सर्विस दे रही है तो वो सप्लाई तभी मानी जाएगी जब वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगी। अगर वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर सप्लाई नहीं होगी। अब विक्की कौशल का भाई है जो यूएस में सेटल्ड है, अपने वहां पे एडवोकेट वगैरह मान लो, और विक्की कौशल जो है उसका एक केस हो गया किसी प्रोड्यूसर के खिलाफ, कोई पैसा वैसा नहीं दिया, तो उसने कंसल्टेंसी वगैरह दी विदाउट कंसल्टेशन, क्या ये सप्लाई है? किस किस को लगता है कि ये सप्लाई नहीं है? क्यों नहीं है सिद्धू? ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये रिलेटेड पार्टी ही नहीं है, क्योंकि वहां पर वेल सेटल्ड है उसका भाई। अगर उसका भाई कंसल्टेंसी दे रहा है तो उसका मतलब उसका बिजनेस है, तो ये क्या है? सेटल्ड है यूएसए में, तो ये अनरिलेटेड पार्टी है, तो ये क्या माना जाएगा? सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी, वो भी विदाउट कंसिडरेशन, तो 7(1)(c) नॉट एप्लीकेबल। कब होता है? जब रिलेटेड पार्टी होती। 7(1)(c) कब होता है? जब डीआरपी वाला केस हो। ना तो ये डी वाला केस है, ना आर वाला बना, ना पी वाला है, तीनों ही केस में नहीं आ रहा है, तो ये क्या मान लिया जाएगा यहां पर? नो सप्लाई। समझा? तो देखो इसका एक चीज बताता हूं, एकदम समरी चार्ट बना देता मैं। इधर देखो, कभी भी इंपोर्ट सर्विस, देखो कॉम्बिनेशन, देखो इंपोर्ट सर्विस वर्सेस रिलेटेड पार्टी, मतलब 7(1)(b) प्लस 7(1)(c) दोनों, 7(1)(b) प्लस 7(1)(c) तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर बेटा, याद रखना। इंपोर्ट सर्विस को लेकर के साथ में रिलेटेड पार्टी का कॉम्बो डाल देंगे बीच में,
ओके okay. तो आपको कुछ नहीं देखना, आप सबसे पहले क्या देखोगे, कंसिडरेशन है या नहीं है। यस कंसिडरेशन है, परचेज क्या इंपोर्ट सर्विस का। ओके okay. बिना कुछ सोचे समझे उसको सप्लाई मान लेना, इंपोर्ट सर्विस फॉर कंसिडरेशन, चाहे वो इनपुट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो, सप्लाई मानी जाती है। अब क्वेश्चन है कंसिडरेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। नो तो फिर देखो कि रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन है क्या, तो ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन ये आएगा नो, एक आएगा यस। रिलेटेड पार्टी या डिस्टेंट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो इधर देखो बेटा इंपोर्ट सर्विस है, कंसिडरेशन भी नहीं है, ना रिलेटेड पार्टी है ना डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो उस केस के अंदर नो सप्लाई, वो सप्लाई हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई कैसे होगा। कंसिडरेशन है तो सप्लाई, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई कब होता है, जब रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। तो यहां पे आप देखोगे ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन यस, तो फिर आप ये देखोगे वो ट्रांजेक्शन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या, बराबर है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसका मतलब क्या हुआ, जो रिसिपियंट है यूज और विल बी यूज सच इंपोर्ट सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पस, तो अपने बिजनेस के लिए वो सर्विसेज यूज करेगा तो उसको बोलते हैं इन कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो उस केस में क्या होगा, नो वो बिजनेस के लिए यूज नहीं करेगा तो फिर नो सप्लाई, यस वो बिजनेस के लिए यूज करेगा उस सर्विसेज को तो फिर सप्लाई मानी जाएगी। इसका मतलब कैटरीना जब सर्विस दे रही थी विक्की कौशल को, वो सर्विस अगर अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो सप्लाई है, बट अगर बिजनेस के लिए यूज ना करके पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता तो फिर सप्लाई नहीं मानी जाती। समझ में आया, कोई डाउट तो एक काम करते हैं बेटा इन सबको लिख भी लेते हैं, एग्जाम्पल भी काफी कुछ हो गए आपके, तो एक अपना सबसे पहले अभी जो आपने लिखा है ना उसमें सबसे पहले तो ये वाला एग्जाम्पल लिखो, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये एग्जाम्पल क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम के अंदर आपको दिमाग में छपा हुआ रहेगा, इन्हीं के ऊपर केस स्टडी जाएगी आपके। चलो इसके बाद आ जाओ, पहले आप इसमें ये देखो इंपोर्ट सर्विस वर्सेस रिलेटेड पार्टी, हो गया चले आ गए।
शिता ये वाला एग्जाम्पल कॉपी करो। चलो ना, अब शेड्यूल फर्स्ट का लास्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। हेडिंग लिखो पी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसमें आपको लिखना है सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो सप्लाई। सिर्फ इतना सा लिखो और फिर छोड़ दो, फिर इसका डिटेल ऑपरेशन करते हैं। चले चलो इधर देखो, इस पॉइंट को समझने के लिए यूं समझना होगा। मान लो मैं कार मैन्युफैक्चरर हूं, मैं गाड़ियां बनाता हूं, ओके। इसको जरा अच्छे से समझना, मिस्टर एम जी, ओके। एक एजेंट है जो शेड्यूल फर्स्ट में कवर नहीं होता। अब शेड्यूल फर्स्ट वाला कौन है कौन नहीं वो अभी हम देखेंगे। एक एजेंट मान लेते नॉर्मल, इस एजेंट का नाम है रौनक। एक और एजेंट भी है मेरी, इसका मान नाम रख लेते दृष्टि। दृष्टि, ओके। दो लोग हैं जिनको मेरी कंपनी की गाड़ियां खरीदनी है, ओके। जिनमें से एक ले लेते हैं ऋतिक, दूसरा एक ले लेते हैं सिद्धू। सिद्धू जो है वो रौनक से जाकर के मिलते हैं। एक दिन दोनों बैठे होते हैं, बोलते हैं यार मुझे गाड़ी खरीदनी है यार, एमजी कंपनी की, कोई अच्छी सी गाड़ी अगर मिल जाए तो। रौनक बोलता है क्या रे यार तू टेंशन ना ले, उस कंपनी का एजेंट ही हूं मैं तेरे को बढ़िया गाड़ी दिलवा दूंगा, तू घबरा मत। और रौनक मेरे पास में आता, बोले सर एक बकरा फंसा करके लेके आया हूँ, मस्त हलाल कर देना, मेरा 10% कमीशन फिक्स। मैंने कहा तुम निश्चिंत रहो, तुमको तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा, बकरे को लेकर के आओ। ये लेकर के आते सिद्धू को, सिद्धू को मैं गाड़ी के फीचर्स वगैरह बताता हूँ, देखो ऐसी गाड़ी है, इस तरह की है, बहुत बढ़िया, ऐसी गाड़ी कहीं और नहीं मिलेगी। सिद्धू उसको लेने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ डायरेक्ट गाड़ी जो है सिद्धू को दे रहा हूँ, ये वाली गाड़ी, तो मैं इनवॉइस सीधा किसके नाम पे बनाऊंगा, सिद्धू के नाम पे। इस केस में सप्लायर कौन है, एम जी बराबर है, रिसिपिएंट कौन है, सिद्धू। क्या दे रहे हैं, कार जिसकी वैल्यू कितनी है मान लो 50 लाख प्लस जीएसटी, ओके समझ में आया। तो यहां पर रौनक जो है वो शेड्यूल फर्स्ट का एजेंट नहीं माना जाता है। मैं रौनक के नाम पे इनवॉइस नहीं बनाता, उल्टा रौनक अपने कमीशन के लिए मेरे को इनवॉइस इशू करेगा। तो भाई देखो मैंने आपको सर्विस दी महेश गोट सर, मैं एक बकरा लेकर के आया था आपके यहाँ पर, बराबर है, उसका कमीशन मेरा 5 लाख बनता, लाओ मेरा 5 लाख कमीशन दे दो, तो वो मुझे इनवॉइस इशू करेगा, मैं उसके नाम पर इनवॉइस इशू नहीं करता। अब यह तो हो गया वो एजेंट, जो एजेंट तो है बट शेड्यूल फर्स्ट के एजेंट नहीं माना जाता है। शेड्यूल फर्स्ट के एजेंट कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। वो है दृष्टि। दृष्टि जो है वो एक दिन मुझे बोलती है कि सर मैं डोंबिवली में रहती हूँ या कल्याण में रहती हूँ, वहां पर मुझे आपकी गाड़ी की एजेंसी चाहिए, मैं एक बड़ा सा शोरूम बना करके आपकी गाड़ियां बेचूंगी वहां पर। मैंने कहा ठीक है, उसमें बड़ा सा शोरूम बनाया वहां पर और मैंने अपने यहाँ से गाड़ी भेजी उसको, हो सकता है 5 भेजी हो, 10 भेजी हो या एक ही भेजी, गाड़ी भेजी। वो गाड़ी क्या होगी, उसके शोरूम में रखी हुई रहेगी, फिर कस्टमर देखेंगे वहां पे जाकर के पसंद आई तो वो खरीदेंगे, ओके। अब एक बात बताओ, मैं दिल्ली का रहने वाला, कहाँ का रहने वाला, दिल्ली का, मैंने गाड़ियां भेज दी कल्याण के शोरूम में जो महाराष्ट्र में, कल्याण के शोरूम में गाड़ियां रखी हुई है, शोरूम की मालकिन कौन, दृष्टि।
आप लोग गए, मान लो ऋतिक गया, ऋतिक गाड़ी खरीदने गया, वो दृष्टि के पास गया, जाकर के बोला दृष्टि मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो इनवॉइस कौन इश्यू करेगा ऋतिक को? मैं आऊंगा या दृष्टि करेगी? दृष्टि करेगी। तो ये जो एजेंट होते ना, ये शेड्यूल फर्स्ट में कवर होते हैं। तो इधर देखना ध्यान से, मैंने गाड़ी भेजी दृष्टि को, मैं इनवॉइस दृष्टि के नाम से इश्यू करूंगा। मैं क्या करूंगा, इनवॉइस कुछ इस तरह से बनाऊंगा, यहां पे लिखूंगा नाम में दृष्टि, और दृष्टि का जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपियंट, मतलब दृष्टि का जीएसटी नंबर मेरे लिए तो रिसिपियंट दृष्टि है, लिख ही देता हूँ, नहीं तो तुम रिसिपियंट कहीं आगे वाले को ना समझ बैठो। एंड जीएसटी नंबर ऑफ दृष्टि वैल्यू 50 लाख, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, 9 लैक्स, टोटल 59 लैक्स। मैं इनवॉइस दृष्टि के नाम से बनाऊंगा, यहाँ पे साइन होंगे सप्लायर के, सप्लायर के साइन में मैं अपने साइन करूंगा यहाँ पर, और मेरा जीएसटी नंबर MG। अब मैंने दृष्टि को गाड़ी भेज दी, अभी दृष्टि के पास कस्टमर नहीं है, गाड़ी खड़ी उसके शोरूम में। फिर एक दिन ऋतिक जाता है, बोलता भाई मैडम ये गाड़ी मुझे पसंद आई, ये गाड़ी मुझे दे दो। दृष्टि बोलती मिल जाएगी 60 लाख रुपीज़ है। बोले ठीक है, 10 लाख वो भी तो कमाएगी, वही उसका कमीशन हो गया, उसका क्या हो गया, कमीशन हो गया। अब इधर देखना, यहां से दृष्टि ने वो गाड़ी किसको दी, ऋतिक को, तो ये इनवॉइस इशू करेगी ऋतिक के नाम पर, बराबर है वैल्यू 60 लैक्स, जीएसटी 18% से कितना जाएगा, 10.8 लैक्स, टोटल 70.8 लैक्स। फिर यहाँ पे साइन, साइन जो सप्लायर के होते हैं वहां पे किसके साइन होंगे, दृष्टि के, यहाँ पे दृष्टि सप्लायर है, और जीएसटी नंबर भी किसका आएगा, दृष्टि का। तो याद रखना, यहां पर ऋतिक को अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे पास नहीं आएगा, वो दृष्टि को जाकर के पकड़ेगा, उसको बोलेगा कि भाई मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, चेंज करके जा। जैसे मैंने आपको बताया था एमजी एक्टर में जब इश्यू हुआ था, तो एमजी एक्टर वाला को एमजी एक्टर के शोरूम में गया था, ना कि एमजी एक्टर की कंपनी में, क्यों, क्योंकि उसने गाड़ी शोरूम से खरीदी थी, शोरूम वालों ने इनवॉइस इश्यू किया था उसको। समझ में आया? तो ये जो एजेंट होते ना, दृष्टि जो एजेंट है वो शेड्यूल फर्स्ट में आता है। तो जब मैं दृष्टि को गाड़ी भेजता हूं, वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। कई बार दृष्टि जो एजेंट होते हैं वो भी मुझे गुड्स भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? मैंने दृष्टि को बोला, दृष्टि मान लो दिल्ली में रहती है, मैंने कहा दृष्टि तुम दिल्ली में रहती हो? बोले यस सर। मैंने कहा एक काम करना ना, वहां पे टायर सस्ते मिल रहे हैं, तो मुझे गाड़ी मैन्युफैक्चर में टायर यूज होंगे, तुम टायर खरीद करके भेजो। तो दृष्टि टायर खरीद करके मुझे जब भेजेगी, तब वो उस केस में मेरे नाम पे इनवॉइस इशू करेगी, भले ही मैंने उसको पैसा नहीं दिया, हम आगे सेट ऑफ कर लेंगे कमीशन के अगेंस्ट, एडजस्ट कर लेंगे जहां पे भी करना है, मैंने पैसा नहीं दिया उसको अभी, या दृष्टि को जब मैंने गाड़ी भेजी तब दृष्टि ने मुझे पैसा नहीं दिया, फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन, बराबर है। तो ये जो एजेंट है मेरे और दृष्टि के बीच में विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई भी सप्लाई होगा, लेकिन मेरे और रौनक के बीच में जो डील हुई है वो रौनक शेड्यूल फर्स्ट वाले एजेंट में कवर नहीं होता, क्योंकि मैं उसके नाम पे इनवॉइस इशू नहीं कर रहा हूं और ना रौनक आगे इनवॉइस इशू कर रहा है। ओके, अब इधर देखो, यहां पर ये शेड्यूल फर्स्ट में केस जाएगा, केस वन शेड्यूल फर्स्ट का, ये केस टू, नॉट कवर्ड। ओके, अब इधर देखना, वर्डिंग्स क्या यूज की, सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विस। ऐसा क्यों? क्योंकि दृष्टि मेरे बिहाफ पर मेरी गाड़ी बेच सकती है, मेरे बिहाफ पर सर्विस नहीं दे सकती है। मान लो मैं जीएसटी पढ़ाता हूं और मुझे
ऋतिक बोलता है कि सर मुझे जीएसटी पढ़ना है दिल्ली में, तो मैं दृष्टि को नहीं बोल सकता कि दृष्टि मेरी जगह पे तुम जीएसटी पढ़ा दो उसको, मेरे बिहाफ पे वो सर्विस नहीं दे सकती, क्योंकि सर्विस तो उस पर्टिकुलर सप्लायर जो होता है उससे जुड़ी हुई रहती है। जो सर्विस मैं दे सकता हूँ सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, दृष्टि नहीं दे सकती वो वाली, बराबर है। मान लो मैं हार्ट का डॉक्टर हूं और दृष्टि मेरी एजेंट है जो नई नई अभी बनी है, और दृष्टि जो उसको हार्ट सर्जरी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अब आपका हार्ट का ट्रीटमेंट करवाना, मैं कहता हूँ सॉरी बॉस मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, बट मेरे बिहा पे मेरा एजेंट आपको सर्विस दे देगा, आपको चलेगा क्या? तो मेरे बिहा पर गुड्स बेचा जा सकता है, बट मेरे बिहा पे सर्विस नहीं दी जा सकती। इसलिए जो शेड्यूल फर्स्ट के एजेंट होते हैं ना, वो सिर्फ गुड्स में डील करते हैं ना कि सर्विसेज में। ओके, इसके लिए यहां पे इन्होंने लिखा कि सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो सप्लाई। तो अभी आपको क्या करना है, यहां पर ये लिखा, हेडिंग लिखा, हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या लिखना मैं बताता हूं। उसके बाद आपको लिखना है ये, इधर देखो, इट मे बी नोटेड दैट इन केस वेयर द इनवॉइस इज इश्यूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन हिज ओन नेम या वाइस वर्सा, देन सच एजेंट शैल फॉल इन द अबव केस। ओके, मतलब आगे जो एजेंट इनवॉइस इशू करेगा वो खुद के नाम से इशू करता है ना कि प्रिंसिपल के नाम से। ओके, वो केस इधर कवर होंगे। इट मीन्स इफ द इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, देन सच एजेंट शैल नॉट फॉल इन अबव केस। ये आप कॉपी करो वहीं पर। ठीक है, मानो मतलब अभी टेंशन में आ गए। ठीक अब एक काम करो बेटा, ये वाला डायग्राम कॉपी करो, केस वन और टू दोनों। यहाँ पे इस केस में सप्लायर एमजी, ये रिसिपिएंट, इधर सप्लायर एमजी रिसिपिएंट, ये बट ये आगे फर्दर सप्लाई हो रही थी, ये सप्लायर रिसिपिएंट रिकॉर्ड। मैं मान लो यहां पर इस केस में, इधर देखो, मान लो मैं दृष्टि को माल बेचता हूं जनवरी मंथ में, तो मेरी लायबिलिटी जनवरी में ही आ जाएगी। दृष्टि उसको जुलाई में बेचती है, तो जुलाई, दृष्टि की लायबिलिटी जुलाई में आएगी। और बकायदा जो मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूं दृष्टि से 9 लाख रुपीज का, उसका क्रेडिट मिलेगा दृष्टि को। जो मैं इनवॉइस में जीएसटी दिखा रहा हूं उसका क्रेडिट लगेगी दृष्टि। हर्षिता हो गया। अब यहां पर ही आपका शेड्यूल फर्स्ट कंप्लीट होता है इस जगह पे। अब आते हैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। वो सप्लाई है या नहीं है ये आपको बताना है। पहला, दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट। अब देखो भली ट्रस्ट हो, मैंने क्या बोला, ट्रस्ट एनजीओ वगैरह सब जो भी देते हैं वो सब इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाता है, क्योंकि वो भी तो पैसा ही कमा रहे। तो दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट, ए ट्रस्ट हु गेट्स द आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल्स डन फ्री ऑफ कॉस्ट, डोनेट्स क्लोथ्स एंड टॉयज टू चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया। क्या ये सप्लाई है? सप्लाई नहीं है ये, नहीं है सप्लाई, कंसिडरेशन ही नहीं है। अब कंसिडरेशन नहीं होता तो सप्लाई कब होता है? डीआरपी वाला केस। तो ये तो कहीं पे भी कवर नहीं रखो, रिलेटेड पार्टी को तो दिया नहीं है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन ना प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, और ना क्वेश्चन नहीं बोला कि आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। अगर क्वेश्चन ये बोलता जो कपड़े लगते आप दे रहे हो उसका आईटीसी क्लेम कर चुके हो तो फिर ये सप्लाई होती। तो यहां पर ये नो सप्लाई।
नेक्स्ट, सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली, मेरी एक फैक्ट्री जो दिल्ली में, एंड डेपो इन मुंबई, डेपो मुंबई में। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स, मेरे दोनों अपने आप रजिस्टर्ड है, दिल्ली वाला डेपो भी और मुंबई, सॉरी मुंबई वाला डेपो भी, दिल्ली वाली फैक्ट्री भी। फिनिश गुड्स आर सेंड फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू द मुंबई डेपो विदाउट कंसिडरेशन, सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड। सप्लाई है डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाता है, और ये डेपो और फैक्ट्री दोनों क्या डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि दोनों के दोनों मेरी है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, फिर भी डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। रमन इन एन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई, मैं रमन हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ चेन्नई में। मान लो मेरी कंपनी का नाम है अमेजोन या फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट है और मैं चेन्नई में हूँ। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज वेल नोन लॉयर, मेरा भाई लॉयर है। रमन इज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। सप्लाई है, सप्लाई है, क्यों? क्योंकि रमन जो है, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं, मेरा जो भाई है ब्रदर वो इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या हो गया, अनरिलेटेड पार्टी, और अनरिलेटेड पार्टी से अगर फ्री में कोई भी चीज मिलती है तो नो सप्लाई। समझा? वुड यू, और दूसरा एक और केस भी, वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, क्योंकि पर्सनल डिस्प्यूट के लिए लिया, इसमें तो दो दो रीजन है कि सप्लाई नहीं। दूसरा केस, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन द अबाउ केस रमन इज टेकन एडवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई, अगर वो अपने बिजनेस के लिए लेता तो सप्लाई होता, तब भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि है तो अनरिलेटेड पार्टी और फ्री में दे रहा है, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो या विदाउट बिजनेस या फॉर बिजनेस, दोनों ही केस में नो सप्लाई। चलो ये बताओ, क्वेश्चन 8, मिस्टर राजेश सुराना हैज द प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इन दिस नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर, द फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैन्युफैक्चर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, द फॉर्म ऑल्सो प्रोवाइड टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज। मिस्टर राजेश सुराना हैज प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर मिस्टर अखिलेश सुराना लोकेटेड इन यूएसए विदाउट एनी कंसिडरेशन, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर अखिलेश आर सिमिलर टू दी वंस मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर राजेश सुराना, मिस्टर सुराना चार्ज ₹3 लाख फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विस टू द अदर इंडिपेंडेंट कस्टमर लोकेटेड इन यूएसए। मतलब इधर देखो, मैं राजेश सुराना हूँ, मेरा भाई अखिलेश सुराना यूएसए में रहता है, मैंने उसको कुछ कंसल्टेंसी वगैरह दी जिसके लिए मैंने कुछ भी चार्ज नहीं किया। सेम वैसी कंसल्टेंसी यूएसए के किसी भी आदमी को देता तो मैं ₹3 लाख लेता। तो क्वेश्चन ये कि मेरे और मेरे भाई के बीच में जो ये ट्रांजेक्शन हुआ है बराबर है, इसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तुम बताओ सिद्धू। अरे भाई वो है ही नहीं, बोला है ना इधर देखो, वो इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड पार्टी नहीं है वो मेरी, बोला है इधर देखो, मिस्टर राजेश सुराना इज प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस टू हिज ब्रदर मिस्टर अखिलेश सुराना लोकेटेड इन यूएसए विदाउट एनी कंसिडरेशन, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर अखिलेश आर सिमिलर टू द वंस मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर राजेश सुराना। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा है वो, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो गया ना वो, तो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है, और अनरिलेटेड पार्टी के बीच में फ्री में ट्रांजेक्शन होता है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता, नो सप्लाई। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन और केस स्टडी बनकर के आएंगे, बराबर है? अब देखो, एमसीक्यू की बुक है आपके पास में भी है, इस किसी एक के पास में देना बेटा। एमसीक्यू की बुक में मैं आज होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क आप मुझे ट्यूसडे तक कंप्लीट चाहिए, जो नहीं करेगा वो पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा? इसमें दो एमसीक्यू ऐसे हैं जो आपको नहीं आएंगे, आपको से होंगे ही नहीं। अगर गलती से भी आपने बोल दिया हाँ सर सब कर लिया, सब समझ में आ गया, तो याद रखना वही एमसीक्यू मैं पूछूंगा,
किसका कैसे निकाला तुमने, बराबर है। तो इसमें एमसीक्यू नंबर 1 2, एमसीक्यू नंबर 1 उसके बाद 2, 2 के बाद में 4 5 6, इलेवन, सिक्स के बाद 11, ये एमसीक्यू आपको करना है। इनमें से दो एमसीक्यू ऐसे हैं जो आपको नहीं आएंगे। चलो अभी हम ब्रेक लेते हैं, बराबर है। 10:30 को मिलते हैं, शुरू करेंगे हम वापस अपना सेशन। जो भी खाना पीना कर लेना, क्योंकि बाद में मैं ब्रेक नहीं देने वाला हूँ। ओके, चाय कॉफी खाना पीना जो कुछ करना है। ओके, 10:30 को वापस शार्प हम शुरू करेंगे सेशन। जूम लाइव ऑडियो वीडियो क्लियर? हेलो हेलो। चलो मैं इन्फॉर्म करूंगा ना तुम्हारे को, एक बार अभी बात कर लेता हूँ वहां पे, आप यहाँ से भी लेक्चर में हो तो आपको मैसेज आ जाएगा लाइव होगा या मैसेज नहीं आया तो फेस टू फेस ही है, आ गया तो लाइव। वैसे अभी तो ट्यूसडे को ना अपना नेक्स्ट, कल किसका है? अगर सक्रेडिटी अब आते हैं, एक बात बताना मुझे, सोच समझ करके आंसर देना। एक लैंड है जो मैंने खरीदी थी, ओके मेरा बिजनेस है लैंड खरीदना और बेचना। मैंने कुछ प्लॉटिंग की है, ये कुछ प्लॉट बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और मैंने क्या क्या कुछ प्लॉट बेच दिए, प्लॉट 1 2 एंड 3, ये मैंने 5 करोड़ में बेचे, ओके। ना मुझे ये बताओ इशिता, ये मैंने गुड सेल किया या सर्विस दी है? सर्विस कुछ भी नहीं है, सर्विस भी नहीं। एक मिनट तुम बताओ सिद्धू। सर मतलब वो जो 3 प्लॉट है उसके अंदर आपका जो राइट था वो आपने बेच दिया, तो सर्विस? सर्विस प्रियंका, हर्षिता, दृष्टि, गुड्स या सर्विस है? सर्विस। दिव्या, ज्योति, समिता, ऋतिक सुराणा, सर्विस। समिता और दिव्या कहां पर है भाई, दुनिया के कौन से कोने में बैठी है दोनों? सर्विसेज, ओके। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनना। एक्चुअली ये गुड्स ही है सर्विस है, इसको लेकर के बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि गुड्स ये हो नहीं सकता, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन के एनी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स, और लैंड मूवेबल नहीं होती है। अब था कि इसको सर्विस में चलेगी ऑटोमेटिक, क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन का एनीथिंग अदर देन गुड्स। तब गवर्नमेंट को ऐसे अपनी गलती रियलाइज हुई काफी जगह पर, ये एक ही नहीं है, ऐसे कई ऐसी एक्टिविटीज है
जिनको लेकर के गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार ये सर्विस नहीं होनी चाहिए, ना ही ये गुड्स है, और बट ये गुड्स या सर्विस में से किसी एक कैटेगरी में जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम उसको एक नेगेटिव लिस्ट में डाल दें। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3, जिसको क्या बोलेंगे हम नेगेटिव लिस्ट। इसमें हम ऐसी 8 एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, बोला गया 8 है बट जनरली 10 के करीब हो जाती है। ऐसी 8 एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, वो एक्टिविटीज ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, इसका मतलब वो सप्लाई ही नहीं है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? श्योर ना? तो क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो ऐसी हो सकती है। और एक्टिविटीज की अगर बात करें तो उसका की है चाय, जो अभी ब्रेक में आप लोगों ने पी। फैन क्या है? चाय फैन। ओके, ये जो चाय फैन है, यहां पर इन्होंने बोला कि ये जो 8 एक्टिविटीज, ऐसी 2 बार है, ये जो एक्टिविटीज हैं इनको सप्लाई नहीं माना जाएगा, भले ये सेक्शन 71A, 71B और 71C की कंडीशन पूरी करते हैं, फिर भी नहीं माना जाएगा। अभी कौन कौन से? सी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी, सी का मतलब कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ए का मतलब एक्शनेबल क्लेम, आई का मतलब सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड था, एफ का मतलब फ्यूनरल, ई का मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एन का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ये हम 8 एक्टिविटीज यहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके, कौन सी मिस हो गई? हो गई सारी, हुई एच मिस हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, बराबर है। ये सारी एक्टिविटीज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलें, चलो आ जाओ। सी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी में जो केस कवर किए गए हैं, ये वो केसेस हैं जो गरीब लोग सर्विस देते हैं ना आज की तारीख में, उनको कवर किया गया है, बराबर है। गरीब लोग जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, गरीब लोग जो आपके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, वो गरीब लोग। अब उस गरीब लोगों में कौन कौन आ गया? उन गरीब लोगों में आ गया आपके एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, बराबर है, चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपलिटी मतलब लोकल अथॉरिटी, बराबर है, मुंबई महानगर पालिका के चेयरमैन, उसके बाद में कॉरपोरेटर, गांव में क्या होता है सरपंच या मेंबर ऑफ पंचायत, ये गरीब लोग। क्यों ये गरीब लोग हैं? क्योंकि इनके जो एमपी एमएलए के जो कैंटीन होते हैं उनमें खाना 10 रुपए में, 15 रुपए में भर प्लेट मिलता अच्छा खाना, तो ऐसा तो गरीब लोगों के लिए रखा जाता है, बराबर है ना। दूसरे आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो
या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CND AG, नाम सुना होगा आपने। जहां पे भी गवर्नमेंट का पैसा लगा रहता है वहां पे गवर्नमेंट की ऑडिट करवाने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह में। तो CND AG हो गए, गवर्नर हो गए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स वगैरह के, बराबर है ना। नेक्स्ट आते हैं आपके गवर्नर ऑफ स्टेट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बाद में एक आपके इसमें कवर किया जा सकते हैं चेयरमैन ऑफ या चेयरपर्सन ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी के चेयरपर्सन वगैरह। चेयरपर्सन ऑफ गवर्नमेंट बॉडी में क्या आ गया, जैसे IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी, बराबर है, ये सब गवर्नमेंट बॉडी है। महाराष्ट्र में MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसे गुजरात में GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बराबर है। तो हर स्टेट का स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होते ही है। इन सब के जो चेयरमैन होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में कवर होते हैं। तो वो जो सर्विस देते हैं उनके बदले उनको पैसा मिलता है, फोकट में कोई काम नहीं करता बेटा ये लोग। वो MP MLA जितने भी है ना, इन सबको 1.5-2 लाख रुपया महीने का मिलता है। वो जो पैसा इनको मिलता है उस पर ये GST चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो नेगेटिव लिस्ट में है। अब याद रखना ये एम्प्लॉय नहीं माने जाते, ये एम्प्लॉय नहीं होते। इनकम टैक्स पढ़ा आपने, तो इनकी जो इनकम मिलती है, इनको जो सैलरी मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाती है, ना कि सैलरी हेड में, समझा। और सोचो इन गरीब लोगों के लिए कितनी योजनाएं बनाई है सरकार ने। अगर मान लो मैं सरकार में इलेक्शन जीत करके मंत्री बन जाता हूँ तो लाइफ टाइम पेंशन रहेगी, भले एक दिन के लिए भी मंत्री बना। अब उसके बाद अगली बार इलेक्शन हार भी गया तब भी पेंशन आती रहेगी मुझे, बराबर है। तो कितनी अच्छी अच्छी स्कीम है इन गरीब लोगों के लिए। वहीं पे हमारे जो मिलिट्री वाले हैं उनकी तो पेंशन भी बंद करने की सोच रही है गवर्नमेंट, बराबर है। उनके अगर वो शहीद होते हैं तो अनाउंसमेंट किया जाता है इतने इतने लाख रुपया दिया जाएगा। वो लाख रुपए लेने में उनके परिवार के जो है हालत खराब हो जाती है, जूते घिस जाते हैं उनके चक्कर काटते काटते। बट इन गरीब लोगों की देखभाल करनी ज्यादा जरूरी है अभी हमारे को। ओके चलो, तो याद रखना जो ये लोग सर्विस देते हैं इस सर्विस पे GST चार्ज नहीं होता। फिर आता है C2। C2 का मतलब होता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल। अब आपने इनकम टैक्स में ITAT तो गए होंगे, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, बराबर है। और CIT में भी गए होंगे, CIT अपील मैटर गया कभी लेकर के, गया नहीं गए, गया कौन कौन, वहां खड़े करो CIT अपील या ट्रिब्यूनल में। ओके ये अपील एंड रिविजन चैप्टर हो गया आपके इनकम टैक्स में, हो गया ना। मुझे ये बताओ CIT अपील में केस जाता तो फीस कितनी होती है, फी पे करनी पड़ती है CIT अपील में जाने के लिए, ट्रिब्यूनल में जाने के लिए फीस कितनी होती है, ट्रिब्यूनल भी 1 लाख से ज्यादा है तो बनता है। की बता रहा हूँ या CIT अपील की। CIT केस जब ट्रिब्यूनल में जाता ना तो फीस लगती है। CIT अपील के अंदर सिर्फ डिपॉजिट होता है, बराबर है, जनरली उसके अंदर फीस नहीं होती। GST में तो नहीं है, इनकम टैक्स का मुझे आइडिया नहीं है। चालान अटैच करना पड़ता है, वो जो है वो अप्लाई करने के लिए आप करते हो खाली एप्लीकेशन फी, बाकी जितने भी होते हैं जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, और ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में ITAT भी हो गया और GST ट्रिब्यूनल भी आ गया, से स्टेट जिसको हम बोलते हैं वो भी कवर हो गया। यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो तो आपको फी पे करनी पड़ती है, क्या पे करनी पड़ती है, फी पे करनी पड़ती है, तो ही वो केस की सुनवाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उस फी पे GST चार्ज नहीं होता है। अब एक बार बहुत तगड़ा इशू हो गया, वो हो गया कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को लेकर के, किसको लेकर के, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये क्या होते हैं, जो कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करते हैं। अब मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मुझे लगा कि उस प्रोडक्ट में प्रॉपर जो अच्छा प्रोडक्ट नहीं था या जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं था, तो मैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में चला गया।
तो वहां पे एक नॉमिनल फी पे करनी पड़ती है, 100 रुपया 200 रुपया जो भी है, वो फी मैं जब पे करूंगा उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अब पहले इसमें इशू था कि इस पर लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ना तो कोर्ट है ना ट्रिब्यूनल है, तो उस पर जीएसटी चार्ज होना चाहिए। फिर इसके क्लेरिफिकेशन आया, क्लेरिफिकेशन ये आया कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ना तो कोर्ट है ना ट्रिब्यूनल है, बट वो ट्रिब्यूनल के कपड़े पहन करके काम करता है, जो काम ट्रिब्यूनल करता है सेम वही काम वही करता है, तो उसके कैरेक्टर ट्रिब्यूनल के काम के जैसा ही है, ट्रिब्यूनल के कैरेक्टर के जैसा, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो उसके कपड़े पहन करके काम कर रहा है। फिर भली कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ट्रिब्यूनल या कोर्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, बट उसको भी नेगेटिव लिस्ट में लिया जाएगा, समझ में आया, तो उसको भी इन्होंने यहां पे नेगेटिव लिस्ट में लिया। तो एक काम करो, सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, शेड्यूल 3 से जीएसटी 2007 नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई नेगेटिव लिस्ट की चाय फैन, चाय फैन। ओके अब इधर देखो, रुको रुको मैं पहले पूरा बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। C1 में सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी और चेयरपर्सन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, इसमें आपको क्या लिखना है, इधर देखना, तीनों पॉइंट लिखना है। पहला, द फंक्शन परफॉर्म बाय द एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पंचायत मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज और उसके साथ ही और एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परस्यूएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक गवर्नर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। ये तीसरा पॉइंट इसी में कंटिन्यू, टी चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ ए डायरेक्टर इन ए बॉडी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे इधर देखो, हेडिंग लिखने के बाद द फंक्शन पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय के बाद 3.1, 2 और 3, ये तीनों चलेंगे। और लिखना कितना, जो मैंने ग्रीन जो सॉरी येलो में हाईलाइट किया उतना है। तो बाय के बाद में देखो, यहां से शुरू करोगे आप, इस जगह से शुरू करोगे आप, बाई के बाद दी एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पंचायत मेंबर ऑफ म्यूनिसिपलिटीज मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज और एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर ऑफ स्टेट या कंट्रोल ऑडिटर जनरल। फिर नेक्स्ट, चेयरपर्सन और मेंबर और ए डायरेक्टर इन द बॉडी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, जिसमें ये एग्जाम्पल पे लिख देना, समझ में आया। देखो पहले हेडिंग, ऊपर वाला लिखना, फंक्शन ऑब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर कोई भी सर्विस देते हैं तो सर्विस बाय एनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो एक काम करो, इसमें आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और कोर्ट कोमा कोमा ट्रिब्यूनल और के बाद सीधा लिख दो ना कंज्यूमर
डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये नेगेटिव लिस्ट में आएगा। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल, सर्विस बाय एनी कोर्ट कॉमा ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। बस लिख लिया, हो गया ना। अब मुझे आप लोगों के पास में 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं मैं। ये दो प्रोविजन है, ये प्रोविजन कौन समझाएगा, ए वाला और ये बी वाला। ये प्रोविजन आप मुझे समझो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, कहां पढ़े ये भी बताना। एक मिनट रुकना, फोटो ले जाते। इधर देखो, ध्यान से सुनो, केस को समझना। सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन। ये इंपोर्टर है, ये मैं हूं एमजी, मैंने कुछ कुछ इंपोर्ट किया। मान लेते मैंने कुछ खिलौने इंपोर्ट किए, क्या इंपोर्ट किए, खिलौने इंपोर्ट किए। ओके, तो मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया जिसमें टॉयज वगैरह ये सब थे, और मान लेते हैं इशिता मेरे पास में आती है और बोलती है सर वो खिलौने मुझे खरीदने हैं। मतलब खिलौने अभी तक मेरे पास पहुंचे नहीं है, खिलौने या तो रास्ते में है बराबर है, अभी इंडिया में एंटर ही नहीं हुए, या खिलौने इंडिया में एंटर हो चुके हैं बट अभी पोर्ट पे रखे हुए हैं, और या फिर मैं यूं बोल सकता हूँ पोर्ट से वेयर हाउस में चले गए हैं। अब वेयर हाउस में भी जब आप ले जाते हो तो आपने कस्टम्स एक्ट में पढ़ा है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ले जाया जा सकता है, तो बिना ड्यूटी पे के वेयर हाउस में रखे हुए। तो इन शॉर्ट कोई भी केस हो, चाहे तो अभी समुद्र में ये इंडिया में नहीं आए खिलौने, या आने के बाद में पोर्ट पे रखे हुए कस्टोडी इनकी कस्टडी में, और या फिर वो वेयर हाउस में आ चुके हैं। ओके, बट तीनों ही केस में ड्यूटी तो अभी तक मैंने पे नहीं की। ड्यूटी कब पे करूंगा, जब मैं उनको होम कंजम्पशन के लिए रिमूव करूंगा, बराबर है। मान लो पोर्ट पे, तो पोर्ट से जब मैं अपनी फैक्ट्री में लेकर के आऊंगा तब मुझे बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे करना पड़ेगा, IGST पे करना पड़ेगा। पता है आप लोगों को, कस्टम सेक्ट में पढ़ा था ये। देखो कोई भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट GST देख रहा है और कस्टम सेक्ट नहीं पढ़ा, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा पहले कस्टम्स के दो टॉपिक जो है, दो लेक्चर देखने के बाद में ये प्रोविजन समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ओके, तो ना बेसिक कस्टम ड्यूटी सोशल वेलफेयर सरचार्ज IGST ये पे करके ही मैं लेकर के आ सकता हूँ। या मान लो मैं वेयर हाउस में ले गया वो गुड्स, कहाँ ले गया, वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस से जब निकाल करके लेके आऊंगा तब मुझे बेसिक कस्टम ड्यूटी सोशल वेलफेयर सरचार्ज IGST ये सब पे करना पड़ेगा, राइट, मानते हो इस चीज को। चलो अब हुआ क्या, ना तो मैंने वेयर हाउस से निकाला, या पोर्ट पर रखा हुआ था तो ना तो मैंने पोर्ट से निकाला, मतलब इन शॉर्ट अभी तक मैंने उसको रिमूव नहीं किया है फॉर होम कंजम्पशन, रिमूव नहीं किया। और इसी बीच इशिता का आना था, ये इशिता थी मेरे पास में, और आकर के मुझे बोलती सर वो खिलौने मुझे बेच दो। मैंने कहा अभी तो मैंने निकाले नहीं, पोर्ट पे रखे हुए, मैं लेकर के आऊंगा उसके बाद बेच देंगे। बोले सर कोई भरोसा नहीं, वो शिफा भी ये खिलौने चाहती है, वो अगर आपके पास पहले पहुंच गए 100 रुपया उसने एक्स्ट्रा दे दिया, आप मारवाड़ी आदमी पैसों के लालच में उसको बेच दोगे, तो मुझे एक काम करो आप अभी से डील कर लो मेरे साथ। तो मैंने कहा ओके, मैंने वो खिलौने अभी इसको बेच दिया, मैं सप्लाई रिसिपेंट, और वो खिलौने कहाँ रखे हैं अभी, या तो पोर्ट में या वेयर हाउस में, ये अभी तक इंडिया में पहुंचे ही नहीं है, उसे पहले ही बेच दिया। ये मुझे पे करती है 10 lakhs
बट मैं तो सप्लाई कर रहा हूं इंडिया में, मैं इससे जीएसटी भी चार्ज करूंगा, तो मैंने 10 लैक्स प्लस जीएसटी चार्ज किया 1.2 लैक्स। डील होगी, डन, हमारी पैसा भी आ गया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट और टाइटल इसको दे दिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि अब माल छुड़ाने ये जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वेयर हाउस में जाओ चाहे पोर्ट में जाओ, माल छुड़ाने के लिए कौन जाएगी? इशिता। तो डॉक्यूमेंट उसके पास में होने चाहिए थे, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने इशिता को दे दिए। अब इशिता जाती है माल छुड़ाने के लिए, या तो पोर्ट में जाएगी या वेयर हाउस में, जहां पे भी गुड्स रखा हुआ है। जब इशिता गुड्स रिमूव करेगी तो कस्टम ऑफिसर क्या बोलेगा इशिता को? इशिता बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करो, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे करो और आईजीएसटी पे करो। किससे लेगा ऑफिसर? इशिता से। अब इशिता दो जगह जीएसटी पे कर रही है, पहला तो मुझे दे करके गई, फिर सेम गुड्स जब छुड़ाने गई तो कस्टम डिपार्टमेंट को भी जीएसटी पे कर रही है। एक ही ट्रांजेक्शन पे दो बार जीएसटी, ये तो गलत हो गया। और जब जीएसटी एक्ट आया था तब ये प्रोविजन ऐसा ही था, इसको 2 महीने बाद सुधारा गया था। और सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, कि गुड्स होम कंजम्पशन के लिए रिमूव हो उससे पहले अगर बेच दिया गया तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है अब इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये नो सप्लाई। खाली जब माल छुड़ाने जाओगे तब आपको जीएसटी पे करना होगा। कस्टम से पढ़ा इसी था तुमने, मतलब फर्स्ट दो लेक्चर तो देख लिए थे ना, समझ में आया? ये कोई डाउट? जूम लाइव वाले स्टूडेंट्स कोई डाउट? समिता, ज्योति, ऋतिक, दिव्या, नो सर। तो इधर आ जाओ, हेडिंग लिखो एच, एच में सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन। सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, लिखा? अब इसमें दो पॉइंट है, पहला है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी। यहाँ पे कंसाइनी का मतलब क्या है? इंपोर्टर। कंसाइनी कौन है? इंपोर्टर। टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पेस फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, इसमें आपको ये लिख देना यहाँ पे, आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पेस फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं जो हाईलाइट किए मैंने।